सभी को मेरा प्रणाम जी। आज हम उपस्थित हैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के स्टूडियो में और यहाँ मेरे साथ विद्यमान है देश के विभिन्न स्थानों से, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए महानुभाव जो उच्च पदों पर स्थित हैं और मेरे साथ अध्यात्म के, धर्म के या सनातन के विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। और मैं आज आप सबके सामने सनातन से या धर्म से जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि इस स्टूडियो के माध्यम से, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से वह जानकारी प्रत्येक जन तक पहुंचे। और विशेष रूप से क्योंकि मैं स्वयं भी उम्र की दृष्टि से मैं युवा हूं तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी युवा ही रहती है, तो मैं आप सभी से भी आग्रह करूँगा कि विशेष रूप से युवाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी इन प्रश्नों के संबंध में या इन प्रश्नों के उत्तर आप प्रस्तुत करें। अब मैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के संस्थापक पूज्य श्री राजन स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि आप पहले प्रश्न के उत्तर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। पहला प्रश्न ये है कि स्वामी जी कि सनातन क्या है? सनातन का वास्तविक अर्थ होता है शाश्वत और शिष्ट के प्रारंभ से जो चला रहा है। सनातन कहलाने की शोभा केवल वेद को है क्योंकि सांख्य दर्शन में कपिल ने कहा कि अपौरुषेयत्वम वेदानां तत्कर्तुः पुरुषस्य अभवत्। वेद को अपौरुषेय कहा है और सभी ऋषि मुनियों की मान्यता यह है, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो लेकिन उसका कथन यदि वेद के विपरीत होता है तो मान्य नहीं होता। आदि शंकराचार्य का भी यही कथन है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी महर्षि पर्यंत तक सबका एक ही कथन है कि वेद अपौरुषेय है और चारों वेदों का कथन है कि वेद की रचना किसी व्यक्ति की नहीं है। शिष्ट के प्रारंभ में ये वेदों का ज्ञान चार ऋषियों के अंदर प्रकट होता है और महाप्रलय के पश्चात पुनः जब सृष्टि बनती है तब वेद का ज्ञान पुनः प्रकट होता है, इसलिए सब कुछ नष्ट हो जाता है। वेद का ज्ञान शाश्वत इसलिए माना जाता है और वेद में स्वतः इसका प्रमाण है कि सूर्य चंद्रमा असोधाता यथा पूर्वम अकल्पत दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्ष मथोस। जैसे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की रचना हुई है, नई सृष्टि में पुनः ये रचना होती है और सृष्टि के प्रारंभ में जो सांकल्पिक सृष्टि पैदा होती है उसमें वेद का ज्ञान प्रकट होता है। उसकी व्याख्या में ऋषियों ने छह अंग बनाए, छह उपांग बनाए, चार उपवेद बनाए। इन कथनों में भी, चूंकि ऋषियों के बनाए हुए ग्रंथों में भी यदि कोई कथन किसी कारण से प्रायः होता नहीं है, क्योंकि ऋषि रितंबरा प्रज्ञा से ग्रंथ लिखते हैं, एक विद्वान में और ऋषि के कथन में यही अंतर होता है कि विद्वान अपनी पढ़ी हुई बुद्धि से कहता है और ऋषि समाधिस्थ प्रज्ञा से कहता है, इसलिए ऋषियों के कथनों में विरोधाभास नहीं होता। पौराणिक कथनों में विरोधाभास ये होता है कि व्यास उपाधिधारी भिन्न भिन्न विद्वानों ने बनाए हैं, तो भागवत के कथन या शिव पुराण के कथन और विष्णु पुराण के कथन, देवी भागवत के कथनों में विरोधाभास हो सकता है लेकिन छह दर्शनों के रचनाकारों में विरोधाभास नहीं होता। हाँ, विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने छह दर्शनों में भी मतभिन्नता पैदा कर दी है। तो जो सनातन का अर्थ है कि जो मूल वेद जो कहता है वो अंतिम सत्य माना जाए, उसके ऊपर कोई प्रश्न न खड़ा किया जाए, लेकिन हाँ उसकी वेदार्थ की व्याख्या में भी मतभेद हो जाता है। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि महाभारत काल के पश्चात जो महाभारत का युद्ध हुआ, सारे बड़े बड़े विद्वान मारे गए, जो गुरुकुल परंपरा थी उसका ह्रास हो गया। अब देखेंगे कि अष्टाध्यायी महाभाष और कास्का की रचना महाभारत के बाद होती है क्योंकि प्राणिनि का जन्म भी महाभारत के पश्चात होता है, तो उन्होंने वेदार्थ को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। पतंजलि ने अष्टाध्यायी की व्याख्या की महाभाष के रूप में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वाम मार्ग का प्रभाव बढ़ता गया और उसके प्रभाव में जो वेदों के अर्थ की प्रक्रिया थी वो विकृत होती गई। क्यों? रावण भी वेद का पंडित था लेकिन रावण महर्षि नहीं कहला सकता क्योंकि रावण समाधिस्थ प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता। वेद को कंठस्थ कर लेना, उसके शब्दार्थ को करना सरल है लेकिन समाधि अवस्था में मंत्रार्थ को दृष्टा होना कठिन होता है। जैसे विश्वामित्र केवल गायत्री मंत्र के दृष्टा माने जाते हैं। जिस जिस ऋषि ने समाधिस्थ होकर जिस मंत्र का अर्थ जाना है उसका नाम आज तक चला आता है। रावण का कई मंत्र दृष्टा ऋषियों में कहीं भी रावण का नाम नहीं है। रावण को 10 विद्याओं का पंडित कहा जाता है लेकिन वो तमोगुणी प्राणी था, इसलिए उसको महर्षि की या ऋषि कहलाने की शोभा नहीं मिली और राक्षस राज ही कहलाया। तो जो महाभारत के काल के पश्चात जो बामार्गी थे वेद मंत्र तो याद रखते थे लेकिन वो वास्तविक से बामार्गी थे, अति दक्षिण मार्गी जो भक्ति है उसे विपरीत मार्ग में था, मांस शराब का सेवन करने वाला था, इसलिए
जो उल्टी व्याख्याएं हो गई, जैसे भागवत का एक प्रसंग आता है, पौराणिक आख्यायिका है, जैसे इंद्र और अहिल्या का प्रसंग है, तो इसमें कथा बना दी गई कि इंद्र ने अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया। अब एक बात क्या है, रात्रि को अहिल्या कहते हैं, सूर्य को इंद्र कहते हैं, जब चंद्रमा सिकता से गमन करता है इसे उसको गौतम कहते हैं। सूर्य रूपी इंद्र जो है रात्रि रूपी अहिल्या का वर्णन करता है, ये अलंकारिक कथा है। अब इस कथा को भागवतकार ने गलत अर्थ में किया है। जैसे भागवत में कथा है कि ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री सरस्वती पर गलत भावना आ गई, तो पुराणकार ने उसका अर्थ नहीं समझा है। ये कथा ब्राह्मण ग्रंथों में है, ऋग्वेद में है। ये रात्रि जैसे उषा है, सूर्य को इंद्र कहते हैं, जो उषा काल है, और उसका दृष्टांत देकर के ये वर्णन किया गया है। अब यह अलंकारिक वर्णन जो वेदों में लिखा था उसका वास्तविक अर्थ न समझने कारण 18 पुराणों के जो रचनाकार थे जिन्होंने ये विकृतियां फैला दी, तो आज पुराणों की जो भावना है उसके अनुसार शरणाचार्य ने भाष कर दिया है। ये जो और जो व्याख्याकार उवट हुए, महिधर हुए, अब उनके व्याख्या को आजकल ऑथेंटिक मानकर यदि हम पुराणिक मान्यताओं को थोपेंगे तो विरोधाभास हो जाएगा। जैसे मैं क्षमा चाहता हूँ पहले कहने से पहले, आप वेदांत के 555 सूत्रों में कहीं शालिग्राम शिवलिंग का तो वर्णन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज के शंकराचार्य शिवलिंग की स्थापना करेंगे, शालिग्राम की भी स्थापना करेंगे, 11 उपनिषदों में कहीं उसका वर्णन नहीं आता है, लेकिन 18 पुराण इन्हीं का समर्थन करेंगे, नवग्रह पूजा का समर्थन करेंगे। मूल वेद की संहिता में ये सारी बातें नहीं है। सनातन का अर्थ ये है जो मूल संहिता, जो ईश्वरीय ज्ञान है वो कह रहा है, वो अंतिम सत्य है। हाँ, ऋषियों के नाम से बहुत से ग्रंथ बना दिए गए, लेकिन वो सारी रचना महाभारत काल के पश्चात है। चार वेद, चार उपवेद, छह उपांग में जो ऋषियों ने कहा है, लेकिन उसकी साक्षी के लिए कपिल जी ने कहा है कि वेद की साक्षी होनी चाहिए। संहिता भाग की जब तक साक्षी नहीं मिलती कोई भी सिद्धांत माना नहीं जा सकता। अन्यथा देखिए 18 पुराण के 18 पुराण है, स्मृतियां 18 बन गई, और न जाने कितने कितने ग्रंथ बन गए जिसमें वेदों से कोई लेना देना ही नहीं। आप गीता को देखिए, गीता यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्रों की व्याख्या है। अब गीता पूर्णतः वैदिक ग्रंथ है, लेकिन आप गीता में भी देखें नवग्रह पूजा का कोई वर्णन नहीं होगा, शालिग्राम का वर्णन नहीं होगा, शिवलिंग पूजा का वर्णन नहीं होगा, देवी का पूजा का वर्णन नहीं होगा। गीता ने वही बात कही है जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने, जैसे कहते हैं ना उनकी 16108 रानियां थी, वास्तविकता क्या थी कि 16108 ऋचाएं कंठस्थ थी। जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वैसे योगेश्वर श्री कृष्ण को अपनी उन ऋचाओं से प्रेम था, उसके योगेश्वर थे, उनके चिंतन में रहते थे, और उन्होंने अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। तो आज यदि एक हिंदू से कहा जाए कि भाई गीता ये कहती है, तो जो जिन पौराणिक धाराओं में वो पढ़ा है वो कहेगा कि नहीं, हम तो इसी को मानेंगे, वो मानने को तैयार नहीं। आप कहिए कि वेद में लिखा है, वो कहते हैं कि हम वेद का सम्मान करते हैं लेकिन आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उस पर उंगली न उठाए जाए। जो वेद ने कह दिया, सबको अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं को, अपने सांप्रदायिक ग्रंथों को किनारे करना चाहिए। संहिता भाग ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी व्याख्या में मैं हूँ, कोई भी हो, कोई भी ऋषि मुनि हो, किसी से भी गलती हो सकती है, क्योंकि कोई भी अनंत ज्ञान वाला नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, केवल सत्य ज्ञान, अनंत ज्ञान केवल परमात्मा के पास है, और उसकी कृपा जिस पर होती है वही वास्तविकता को जानता है। इसलिए जैसे कठोपनिषद में यमाचार्य कहते हैं, यमा एवैष विवृढ़ते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृढ़ते स्वयं, परमात्मा जिसको वर्णन करता है वही उसको प्राप्त होता है। इसलिए वेद के कथन को हम अंतिम निर्णय माने, और जो सांप्रदायिक मान्यता है उसको हम किनारे करें। तो लेकिन हम सांप्रदायिक मान्यताओं को भी पोषित करते हैं और कहते हैं कि यही सनातन है, मेरा इससे मेल नहीं है, क्योंकि अंतिम कथन वेद का होना चाहिए। वेद कहता है कि ये करिए तो ये सत्य है, तो सत्य है, नहीं कहता है तो आप किसी पुराण का उदाहरण लाएंगे, स्मृति ग्रंथों का उदाहरण लाएंगे, इसका ग्रंथ इस ऋषि ने कहा, ऋषि ने नहीं कहा, ऋषियों के नाम से अपनी बातें मनवाई गई है, क्योंकि कितने पुराण ऋषि गए। आप जैसे देखिए अभी अभी अशोक जी ने बताया था कि जैसे भागवत में भी भूपदेव को कहा गया था, इस मेरे कथन के बाद ये स्पष्टीकरण देंगे, किस तरह से उन्होंने 4000 श्लोकों को और बढ़ाकर एक एक श्लोक में 4-4 श्लोक बनाकर उन्होंने व्याख्या की। जब व्याख्या की जाती है तो अपनी मान्यताएं थोपी जाती है, इस तरह से ग्रंथ बनते गए। महाभारत में देखिए इस समय 1 लाख के लगभग श्लोक हैं, 1 लाख से कुछ ज्यादा है गीता प्रेस से। वास्तविकता यह है कि विक्रमादित्य के समय इतने नहीं थे, भोज के समय में भी इतने 20-22 हजार से ज्यादा नहीं थे, उसके बाद श्लोक बढ़ाए गए हैं। अब महाभारत के एक कथन कहीं और है, एक कथन देखिए, एक जगह लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने
पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तप किया और एक जगह लिखा है कि 6 महीने तप किया। महाभारत के कतनम विरोधाभास है, लिखने वालों ने यह नहीं सोचा कि हमारी बात कट जा रही, क्योंकि कोई बात किसी ने छोड़ी, कोई बात किसी ने छोड़ी। तो सनातन का तात्पर्य है जो मूल वेद संहिता कहती है वो अंतिम है, उससे मेल नहीं खाता है हमारी विचारधारा का, तो उसको सनातन की संज्ञा हम नहीं दे सकते। आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, मेरा तो यह है। हाँ, आदरणीय हमारे स्वामी जी ने काफी कुछ साक्षात तो ठीक कहा, लेकिन जिस प्रकार कहा गया है कि ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ है, ब्रह्मा जी ने उसमें कुछ बातें कही कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ऐसी हम जब श्रीमद भागवत के पहले श्लोक पे जाते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति दिहि तव्यता पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि ईश्वर कृष्ण है, अब कृष्ण को जो हमने देखा, जो अपने को सबको अपनी ओर आकर्षित करता है वो कृष्ण है, और लोग वासुदेव कृष्ण मान रहे हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, आदि पुरुषम, वेदों में भगवान को आदि पुरुष बोला गया। वेद ठीक है, वेद व्यास जी जिनको हम संकलित करता मानते हैं, और वेद को हम ज्ञान से समझते हैं, वेद का मतलब ज्ञान है, हमको ज्ञान है, सारी धाराएं उनसे निकली है, अंत में फिर जाकर उनको मिल जाएंगे। अगर वर्तमान में हम किसी भी पुराण पे या पुराण के अनुयायियों को हम पूर्णतया गलत कहते हैं फिर असंतोष आता है, मारो मत जाने दो। सारे विद्वानों ने मेरी लाइन सुनी, मारो मत जाने दो, अब मैं जानना चाहता हूं इसका अर्थ क्या होगा। अगर किसी ने अपना मनमाना अर्थ निकाल लिया है तो केवल वही हमारे सारे धर्म को तो नहीं चलाएगा, हमको उसको अल्प ज्ञानी समझ कर अपने साथ रखना है और धीरे से उसको समझाना है। हम विरोध करेंगे फिर वो डबल विरोध करेगा। आज जिस संख्या में भागवत कथाएं चल रही हैं और जिस संख्या में उसके अनुयायी आ रहे हैं, फिर हम वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे मतक्के में। तो हमको बीच का रास्ता ये निकालना है, जैसे किसी के पिता के अगर कोई पुत्र कुपथगामी हो गया है तो पिता एकदम से उसको बाहर नहीं करता, अंत तक समझाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए मेरे पिताजी शिव भक्त हैं, मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं गीता पढ़ता हूं, भागवत पढ़ता हूं, वेद भी पढ़ता हूं मैं, ठीक है। मेरा जो पुत्र है वो भी अब वेदों में पढ़ रहा है, तो एक ही परिवार में हम बहुत सारे लोग विचारधारा है, लेकिन अंत में सनातन का मतलब क्या है? जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां अलग अल्प साइज हैं, हम ये क्यों नहीं मान लेते अल्प ज्ञानी है, थोड़ा सा पद भ्रष्ट है, अंतता है, तो हमारा सनातन धर्म का अंश ही। अगर हम उसके सामने कहते कि नहीं तो ये भागवत मत पढ़, तो शिव जी की पूजा मत कर, फिर वहीं आ गया कि आर्य समाज और आर्य समाज वेदों का समर्थक है और मूर्ति पूजा का विरोध करता है, आर्य समाज निरंतर घट रहा है, मूर्ति पूजा बढ़ रही है। तो कोई रास्ता तो हमें बीच का निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग विद्वान है, हम सामंजस्य बिठाने के लिए बैठे, हमें सनातन को परिपक्व करना है। भटके हुए को कल हम अपने साथ ले आएंगे, लेकिन विरोधी को हम अपने साथ नहीं ला सकते, विरोधी तो हमारा और ध्रुव विरोधी होता ही चला जाएगा। तो इसलिए हमें इन सारे ग्रंथों में और सारी बातों में बीच में सामंजस्य बिठाना है। लिंग के भी कई अर्थ होते, शिवलिंग शालग्राम की पूजा नहीं है, ठीक है, लेकिन भगवान ने गीता में कहीं कहीं बोल दिया कि सूर्य भी मैं हूं, महेश भी मैं हूं, अंततः उनके सारे देवी देवता मेरे अंदर हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उन्होंने तो बोल दिया मैं ही हूं जो कुछ। तो यहां ये तो नहीं कह सकते किसी गीता गलत है, हमें वेदों को भी वहीं रखना है, हमको गीता को भी रखना है, ठीक है। एक बड़े गंगा में से कोई छोटी नदी निकल गई और बीच में कोई दूषित उसका जल हो गया है, अंत जाके सागर में मिलेगा। तो हम कोई ऐसा रास्ता देखें कि जिसमें पुराण पढ़ने वाला भी हमारे साथ ही रहे और दूसरे उसका भी वो साथ रहे, और वो हम सनातन को वेदों को अपना पिता माने, वेदों को सारे ज्ञान का उद्गम माने। हमारी वाणी से ये ना हो कि उसमें गलत लिखा, क्योंकि हम कौन है सही करने वाले। आपने कह दिया किसी ने कि ग्रंथ तो अपना बनाया, उसने 12,000 में उसने इतने और जोड़ दिए, अब वो जोड़ने वाला कहां से है? अब गीता प्राइस आज की तारीख में प्रमाणिक है,
आज भी आपने जो किताब बैठी उसमें एक फिर मेरे को गीता प्रेस की उसमें किताब आई, दो आई। अगर हम एक ये सोचें कि कुछ, अब जैसे रामभद्राचार्य जी ने कुछ सुंदरकांड और चुपाइयों के में ऑब्जेक्शन कर दिया उन्होंने, अब उनके पास तर्क है अपना। अच्छा, हम ये कहते हैं कि गरीब नवाज शब्द आया इसमें, ख्वाजा गरीब नवाज 500 साल, तो हमको मालूम है तुलसीदास जी जगह ना उसमें मुसलमान थे यहाँ। अब गरीब नवाज तो अपने यहाँ है दिल्ली, वो भगवान उनको बोला है गरीब नवाज हूँ, कई जगह आया बोला है उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि हम लोग भी नहीं समझ रहे, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन आज अब 22 तारीख को राम जन्मभूमि का उद्घाटन होगा, जगह जगह सुंदरकांड और रामचरितमानस होना, और हम एक जगह उसे नकारें और इतने बड़े समाज से हम टकराए, तो हमें तो उन अपने भटके हुए लोगों को पुनः धीरे धीरे लेके आना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी को बहिष्कृत कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं, ऐसा करने का नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है महाराज जी, एक छोटे से मैं बात जितना काटूं, अभी वर्णन आया सालिग्राम और शिवलिंग का, उसमें वो नहीं है वर्णन, ठीक है, ये हमारी ज्ञान की भाषा का वो है कि इसमें वर्णन नहीं, जब वर्णन नहीं है तो हम नहीं मान सकते। आज हम साई बाबा की पूजा का क्यों विरोध करते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नहीं है। छोटी सी बात है, सिंपल सी, हमने कह दिया साई साई का आप पूजा करते हो, आप इनका महिमा काय को कर रहे हैं ऑफिस में। मेरे कहने का मतलब ये है कि वेद कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो हिंदू समाज लड़े नहीं ना, मैं तो लड़ाई बंद करने के लिए कह रहा हूं। वही तो हम कह रहे हैं कि वेद का पुत्र गीता है, उसका पोता रामचरितमानस है, हम तो ये कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं वेद जो हमारा जो गीता पढ़ने वाला वो वेद भी रखे, और वेद को पढ़ाने आप और हम जाएं। मेरे कहने का मतलब देखिए, अब ये वैष्णव भाई बंधु जो है शंकर जी का भोग प्रसाद कितने है? मैंने बचपन में देखा है, कोई प्रसाद लेने को राजी नहीं होता, आखिर एक ही हिंदू दूसरे की प्रसाद लेने को राजी नहीं। शंकर जी को मानने वाले, विष्णु भगवान को जो मानने वाले, जब लड़ पड़े तब तुलसीदास जी ने दोनों को मेल कराया, उन्होंने कहा कि शिवद्रोही मैं सपने नहीं भाए, और उनसे शंकर जी की भक्ति करा दी उनसे, तो दोनों को डर के मारे प्रेम से आना पड़ा। वो तो तुलसीदास जी की नीति काम में नहीं, तो ये आपस में लड़ करके मर जाते। मेरे कहने का मतलब है कि सांप्रदायिक मान्यताओं का हिंदू समाज टकरा रहा है, तो यदि वेदार्थ पर चलेगा, अंतरात्मा साझी करेगा, तो सांप्रदायिक विकृतियों के पीछे लड़ेगा नहीं। अब कुंभ के मेले में नहाने के पीछे कितनी मारपीट होती है कि हमारा अखाड़ा पहले चलेगा, अरे जब सन्यासी ही लड़ेगा डुबकी लगाने के लिए तो समाज किधर जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, स्वामी जी ने बताया, आपने बताया, चूंकि जो जो हम संस्कृत को हमने छोड़ा, संस्कृत हमारी सामान्य भाषा या जनभाषा नहीं रही, और लोग संस्कृत जानते भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत में संभाषण आदि करते हैं, तो हम वेदों से तो दूर हुए हुए, और वेदांत उपनिषदों से भी हम दूर हो गए, तो क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है तो सनातन के केंद्र में तो वेद ही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब जो हुआ जो तो हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे करके हमें वेदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हम करें। और जहां तक मैं सोचता हूं कि उपनिषद जो है वो छोटे छोटे होते हैं, उसमें कोई में 20 श्लोक है, कोई में 40 श्लोक है, तो उपनिषदों के माध्यम से हम वेदों का जो शीर्ष ज्ञान है, वेदों के केंद्र में उपनिषद है, तो उपनिषदों को हम अगर जन जन तक पहुँचाने का या उसके प्रचार प्रसार का करें, तो धीरे 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 जो ये झगड़ा है मत मतांतर का, जो ये एक दूसरे पे हमारा शिव पुराण बढ़ा रहा, हमारा विष्णु पुराण बढ़ा रहा, हमारा गणपति बढ़ा, तो इससे हम बचा पाएंगे, एक संस्कृति भी हमारा मत एक हो पाएगा। सवाल प्रश्न तो सनातन है ना, सनातन क्या, प्रश्न तो वहाँ, प्रश्न तो वही आया ना लौट के, हम सनातन से सनातन को हम जब भी समझ पाएंगे ना, जब हम वेदों की ओर चलेंगे, तो क्योंकि तात्पर्य तो वहां से निकलेगा। सरल समाधान ये कर सकते हैं, जो वेदानुकूल है सनातन है, हम कितना समझते हैं हमारे ऊपर, बस इसको, क्योंकि आगे भी प्रश्न है, हमें थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। हाँ, पहला ये भी, दूसरा बता दूसरा बोल दो उसे बता कुछ कहना चाहता हूँ। आदरणीय एक बड़ी बात कही है, मारो मत जाने दो, मारो के बाद अगर कौमा लगा देंगे तो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, या पकड़ो मत जाने दो, और अगर पकड़ो मत के बाद कौमा लगा देंगे, या मारो मत के बाद कौमा लगा देंगे, मारो मत जाने दो,
अर्थी बदल। अब यहाँ क्या हुआ है, वेदों के ऊपर इतनी टीकाएं आ गई हैं, गीता के ऊपर कम से कम भी इस समय 700 टीका उपलब्ध है। हर इंसान ने अपने अपने विचार लिखे हैं उसमें। जैसे हम भगवान को भोग लगाने जाए ना, तो आदमी भगवान की वो नहीं देखता कि उसकी इच्छा क्या है, वो देखता कि मेरी इच्छा क्या है। वही चीज भगवान को भोग लगाता कि वही चीज भगवान को पसंद है, वो तो खाएगा नहीं, खानी तो मुझे। भावना की बात कर रहा हूं। और आपने भी वही बात कह दी कि मूल स्रोत वेद हैं, हम वेदों की तरफ लौटें, हमें लौटना चाहिए। स्वामी जी ने कहा वेदों की अंतिम वाक्य है वेद, और ये वास्तव में अंतिम वाक्य ही है अगर समझे हम तो। सारे के सारे जो इस समय संप्रदाय निकले हैं, उन्होंने वेदों की अलग अलग व्याख्या कर दी है। आज सूत्रों में मैंने ये बात कही भी थी कि कुरान जो है लिखा गया, कुरान, कु मैंने आकाश, रान मैंने उतरी हुई वाणी, आकाश से उतरी हुई वाणी। अब भविष्य पुराण में भी एक वर्णन आता है कि महामद नाम का एक व्यक्ति होगा रेगिस्तान में, वो सारा उसका वर्णन दे दिया उन्होंने। अब कुरान में जो पहली सूरा है, पहली सूरा सूरे अल फातिहा, वो ऋग्वेद से ली गई है, गायत्री मंत्र से ली गई है, अल्लाह शब्द तक वहां से लिया गया है। अल इल्या, अल यानी विशेष रूप से, इल्या मैंने पूछनी है, वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। सारे के सारे सेक्ट जो निकल रहे हैं ना, धाराएं, आपने जैसे अभी कहा कि वो शाखाएं निकल के, नदियां निकल निकल के इधर उधर हो गई हैं, इससे क्या मतभेद पैदा हो गया और मनभेद भी पैदा हो गया। स्वामी जी का कथन है कि हम आपस में एक सूत्र में बंध कर एक को मानना शुरू करें, जब ईश्वर एक है और उधर से वो कह देते हैं अल्लाह एक है, तो फिर अल्लाह और ईश्वर उनका भी एक तो हमारा भी एक, तो दो अलग अलग कैसे हो गए? दो चीजें अलग अलग नहीं हो सकती ना, एक तो एक ही रहेगा ना, अगर उसको काटेंगे तो दो हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, वो नहीं काटते। मेरे कहने का से है, देखिए एक वैष्णव संप्रदाय में कितने झगड़े हैं, राम को मानने वाले कृष्ण की निंदा करते हैं, इनमें आपस में न जाने कितने ग्रंथ लिख दिए गए हैं एक दूसरे की निंदा में। वैष्णव वैष्णव से मेल नहीं रखता, इससे दुखद क्या बात है? देखिए स्वामी जी, जब एक पिता के चार पुत्रों में एका नहीं है, हम आप तो फिर बाहर के आके बैठते, ये तो कली का प्रभाव है, ठीक है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। हमें तो इसमें से रास्ता ही निकालना। आपने वेद कहा, मैंने कहा कि वेद पिता हो गए हमारे, गीता पुत्र हो गई, झगड़ा हो गया, खत्म। अब पिता कहे मैं पुत्र को मानूंगा ही नहीं गीता को, तो मैं तैयार नहीं हूंगा, मुझे भी तैयार करना, आपको भी रखना, इन्हें भी रखना। हमने आजकल गठबंधन की सरकार चल रही है, मुखिया सही होना चाहिए, वो सही करके ले जाएगा। देखिए हम और आप मिलके इसको समाज से ही तो हजारों वर्षों झगड़ा चला रहा है, हम इस मतके को नहीं खत्म, हाँ इसका हम समन कर सकते, हम समन कर सकते। मुझे बुलाया वहां से, मैं तो नहीं जानता था आपको, मैं आपको भी नहीं जानता, आपको भी आपने मिलाया ना, मिल गए ना, हम यही काम करें, मंथन करेंगे तो बस निकलेगा कुछ ना कुछ। अब विष भी निकला, अमृत भी निकला उसमें से। एक बात और कहता हूँ, बिल्कुल कही स्वामी जी ने भी बताई अभी, जी जी बता। एक बात और कहता हूँ कि हरिद्वार में जी काफी अरसा ये झगड़ा चलता रहा, कई सौ साल चलता रहा, क्या कि इसका नाम हरिद्वार है या हरिद्वार? हरिद्वार, हाँ बिल्कुल। मुकदमेबाजी भी हो गई और होने के बाद जिन्होंने मुकदमा किया वो भी मर गए, वकील भी मर गए, सुनने वाले जज भी मर गए, और फैसला आज तक वहीं का वहीं खड़ा है। उन्होंने स्टेशन पे इंग्लिश में कर दिया हरिद्वार और वैसे कर दिया हरिद्वार, हरिद्वार और हरिद्वार। वहां संत सम्मेलन चल रहा था, सब यही सवाल आया, मैंने कहा हरी में तो हर ऑलरेडी है, हरी हर का ही द्वार, तो मैंने बोला था कि हरिद्वार में हर तो पहले आ रहा है, ई तो बाद में जुड़ रही है, वही शब और शिव, शब और शिव। खैर वो तो चले, अगला प्रश्न आप पूछिए। तो इस एक प्रश्न के समाधान में तीनों प्रश्न जुड़ गए हैं कि विकृतियों के कारण क्या है, वो भी पता चल गए और समाधान भी पता चल गया है। तो मैं अब सीधे चौथे प्रश्न में जा रहा हूँ कि क्या मंदिरों को केवल पूजा पाठ तक सीमित रखना उचित है, अथवा उन्हें ज्ञान मंदिर बनाने में धर्म का अधिक लाभ निहित है? तो ये प्रश्न है
जी आप बताइए। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा परिचय भी दें ताकि दर्शकों को। मैं पंडित सुनील कुमार त्रिपाठी उदयपुर राजस्थान से हूँ। आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि मंदिरों को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखना चाहिए और इसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर आगे उत्तरोत्तर उन्नति के लिए सनातन धर्म का, सनातन धर्म हमारा गौरव है और वेद जो मूल है उस ओर हमें आगे बढ़ना है और पुनः भारत को विश्व गुरु को के ऊपर स्थापित करना है। उसके लिए हमें मंदिरों में भी वही एक प्रकार से पूरा संतुलन बनाते हुए वहाँ पे व्यवस्था है बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी। केवल आरती और संक्षिप्त वहाँ जो प्रक्रिया होती उससे बढ़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे हम जैसे ध्यान की वृद्धि के लिए हमें वहाँ पे जो लाइब्रेरी वगैरह है, जो शास्त्र अच्छे शास्त्र हैं, जो ज्ञानवर्धक हैं, ऑथेंटिक हैं, उन शास्त्रों को वहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी के रूप में विकसित करना चाहिए और हो सके जहाँ तक वहाँ कोई अच्छा, अगर कोई समर्पित या निष्काम भाव से जो सेवाएं दे सके ऐसा आचार्य भी वहाँ अगर उपलब्ध हो तो हम बेहतर प्रयास करके उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान, मंदिरों में ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान का वर्धन करने वाले ब्राह्मण भी वहां होने चाहिए, पुस्तकालय भी होना चाहिए, ब्राह्मणों का शोषण नहीं होना चाहिए। उनको दो दो चार चार हजार पांच पांच हजार रुपए में वहां रख के जो सिर्फ पूजा करते हैं बेचारे, और वहां की जो कमेटी होती है वो क्या करती है, उन्हें 4,000-5,000 रुपए दे देती है ना, वो अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं, उनकी पढ़ाई करा सकते हैं, कभी कभी श्राद्ध आ गए तो उनको खाने को हलवा पूड़ी मिल गया और कितना खा लेंगे वो। तो ये जो होना है ये इसको बदलना चाहिए हमें। और वहां पर ज्ञान का मंदिर, मंदिर तो है ही मूर्ति वाला, लेकिन ज्ञान का मंदिर उसे बनाना बहुत ही आवश्यक है। महाराज जी भी कुछ कहते हैं। देखिए इस समय क्या है, मैं थोड़ा कुछ मेरी बातें कटु लगे तो क्षमा कीजिएगा। इस समय भारत से जो मंदिरों का चढ़ावा चढ़ता है 1,00,000 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। हिंदू जनता श्रद्धा के नाम से देती है कि हम भगवान के लिए दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान तक तो पहुंचता नहीं। हम स्वादिष्ट भोजन कितना भी बनाते हैं कुछ समय के बाद उसमें बदबू आने लगती है। आज एक परंपरा वर्तमान में जो शुरू की जाती है कालांतर में वो विकृत होकर दूसरा रूप ले लेती है। पहले ये सोचा गया कि चलो इसमें मूर्ति स्थापित की जाती है, कोई एक पुजारी रहेगा, उसको जनता धन चढ़ाएगी, उसका परिवार चलेगा, सब कुछ होगा। धीरे धीरे इसमें विकृति आती गई, चढ़ावा चढ़ने वाले होते गए, उन्होंने अपने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, बेचारे वो आश्रित हो गए। मैंने जगन्नाथपुरी गया तो एक पंडित से मैंने पूछा कि भाई आप लोग दिन भर जो आते हैं उनके पीछे पीछे लगे रहते हो, आपको अपने ब्राह्मणत्व का स्वाभिमान नहीं है, तो आप क्यों नहीं कुछ ज्ञान अर्जन करो, समाज को उपदेश दो, समाज का भला होगा, इससे पंडागिरी से क्या मिलता है। तो करे कि उसमें परिश्रम करना पड़ेगा, इसमें बिना ऐसे के मिलता है तो हम क्यों करें। आज मैं जगन्नाथपुरी गया, वहाँ देखा, वहाँ के एक व्यक्ति ने बताया कि 90% जो पंडे होते हैं बिना पिए मछली खाए सो नहीं सकते। आप बताइए एक ब्राह्मण जिसे समाज आशा करता है कि समाज को ज्ञान देगा, उसको शिक्षा नहीं मिली, वो खुद राह से भटक गया। जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो चढ़ावा गवर्नमेंट ले रही है हिंदू समाज का, तो उसे कुछ नहीं हो रहा है। पूरे सहारनपुर के अंदर 2,500 मदरसे हैं, जबकि पूरे सहारनपुर में मैं समझता 16-17 ही गुरुकुल होंगे। भारत में मदरसों की संख्या लाखों में है, आखिर गुरुकुलों की संख्या कितनी है, 1,000 भी नहीं पहुंच पाई। आखिर क्यों, जो हर साल 1,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपया भारत सरकार के खजाने में चला जाता है। मान लीजिए आज वो वैदिक परंपरा होती तो 100 करोड़ में मान लीजिए कि 10 करोड़ ब्राह्मण होते, 10 करोड़ मान लीजिए, 10 करोड़ ही मान लीजिए, 10 करोड़ में 5 करोड़ तो शिक्षक होते, बानप्रस्थी अलग होते। ये सारे देश में जगह जगह बानप्रस्थी, ब्राह्मण, विद्वान सभी शिक्षा देते, कोई भी इस्लाम स्वीकार क्यों करता है, क्रिश्चियनिटी स्वीकार क्यों करता है। तो हमारी जो विकृतियां हैं वो बढ़ गई। इससे मैं तो ये कहूँगा अब एक होड़ मची है क्योंकि
कि हम इतने सोना चढ़ा देंगे। अब मैं गुजरात में गया, जगह जगह देखिए स्वामीनारायण मठ के मंदिर बने हैं, सोने के कलश चढ़े हैं, सोने के दरवाजे, क्या क्या सारा सोना तो चढ़ रहा है, शिक्षा में नहीं खर्च हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सौंदर्यीकरण की अपेक्षा वहाँ पुस्तकालय खोले जाए, वहाँ ध्यान कक्ष खोले जाए, प्रवचन कक्ष बनाया जाए और जनता को प्रतिदिन वहाँ उपदेश हो, किसी भी धर्म ग्रंथ की चर्चा हो, तो सामाजिक विकास होगा। अन्यथा केवल चढ़ावा चढ़ता है, कुछ ट्रस्टी बंदर बांट करते हैं, कुछ पुजारी कुछ मंत के पास जाता है। मुझे बहुत दुख हुआ है, कई मंदिरों में मैं घूमा हूँ संन्यास जीवन के प्रारंभ में, तो मैंने देखा है बेचारे जो चलो एक पुजारी जो होते हैं उनको वेतन मिलता है, ट्रस्ट देता है, जब चाहे तब निकाल देगा, उनको शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, उनका भविष्य क्या है? तो नई पीढ़ी तो पुजारी और इनमें कर्मकांड से दूर रहना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें कोई सम्मान नहीं है, कभी भी ट्रस्टी कान पकड़ कर बाहर निकाल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब कि शिक्षा अनिवार्य है, आधे पेट खाकर भी वैदिक शिक्षा को फैलाया जाए, जितने मठ मंदिर हैं सब में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यदि शिक्षा नष्ट है तो भारत नष्ट हो जाएगा और कोई बचा नहीं सकता। हम सोने की ईंटों से भी मंदिर बना लें तो उसमें कोई ब्रह्मज्ञानी पैदा नहीं होगा। सोमनाथ का मंदिर क्या था? सोने की ईंटों से बना हुआ था, सोने के थंबे थे उसके, हीरे मोती न जाने कितने उस पर लाद कर वो ले गया था, लेकिन क्या हुआ? यदि कोई विद्वान होता तो ये नहीं होती। लेकिन झोपड़ियों से यदि गुरुकुल चलेंगे तो उसमें भी विद्या विद्वान बनेंगे, ऋषि मुनि पैदा हो गए, योगी यदि पता तो देश धर्म की रक्षा करेंगे। तो हम ये मांग कर सकते हैं सरकार से कि हमारा 100 करोड़ इतना चलावा आता है, हमारा एक अलग विभाग बना के और इन ट्रस्टियों से और मालिकों से भी मंदिर का कब्जा छीन के वो लोग ज्ञानी आचार्यों को उस मंदिर पर सेलेक्ट करें, वही बोर्ड वही विभाग उनकी देखावाली करे उसमें और सरकार नहीं सुनती है, कितना ही नहीं सुनती है, ये प्रक्रिया में है। हाँ, देखिए एक बात सुनिए, देखिए कुछ नहीं, एक बात सुनिए, जब आपका बोर्ड काम करेगा, गवर्नमेंट तो वही करेगी जिसपे आप दबाव चढ़ाओगे। आज हमारी यूपी में स्लेटर हाउस क्यों बंद हुए? ये देखिए नकारात्मक सोच हम जैसे भक्तों के लिए अच्छी नहीं है। देखिए हम क्या करें, देखिए महाराज जी एक बात सुनिएगा, अब हमको पता लगा ना विकृति कहाँ से। जब एक मंदिर के पुजारी को यही भरोसा नहीं कि मैं कितने दिन इस मंदिर में टिकने वाला हूं और क्या मुझको मिलने वाला है, पैसा हमारे मंदिर पे भरपूर आ रहा है लेकिन वो तो जा रहा है गवर्नमेंट के खाते में और चढ़ावे से वो पंडित जी अपना गुजारा करें, तो क्यों ना एक जैसे जस्ट लाइक मैनेजर, बैंक का मैनेजर, बैंक का क्लर्क, उसको भरपूर पैसा मिलता है और भरपूर सेवा देता है वो, तो वो जो बोर्ड हमारा बने, जो विभाग हमारा बने, हम जो गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे केंद्र में राज्य में अपनी सरकारें अगर हमारी नहीं सुनेगी, आपने कह दिया तो कल किस मुंह से हमसे वोट मांगेगी? जब इमामों को वेतन हो सकता है तो पुजारियों को क्यों नहीं हो सकता? जब शमशान पे दीवार खींच सकती है उस पे कब्रिस्तान पे, तो शमशान पे क्यों नहीं? वो नहीं मानेगी इसका मतलब हम अपने को कमजोर समझ रहे हैं, हमको मनवाना पड़ेगा। इसमें एक बात वो है जो आम जो समस्याएं देखी जाती है, न तो ट्रस्टी चाहते हैं कि मंदिर पे कोई विद्वान आए, बात वही है, क्योंकि विद्वान हमारे हाथ से बात साथ जाए, हमारे हाथ से वो सत्ता चली जाएगी, और न वहाँ का पुजारी चाहता है कोई विद्वान आए क्योंकि मैं छोटा पड़ जाऊंगा तो मैं नहीं चल पाऊंगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए ज्ञान की परंपरा में और पौराणिक कर्मकांड में 36 का संबंध है। जब जगन्नाथपुरी में डोंगरे जी गए थे, वहां के पंडो ने उनको भागवत नहीं करना था। कहीं भी मैंने देखा, अब जैसे मान लीजिए तिरुपति मंदिर का आज से 10 साल पहले 2 करोड़ का चढ़ावा था, आज ज्यादा ही होगा। यदि तिरुपति मंदिर चाहे तो अकेले 10 विश्वविद्यालय चला सकता है, लेकिन नहीं, उसका पैसा गवर्नमेंट खाते में जाएगा। अब मान लीजिए जो वैष्णो माता का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ का मंदिर, सब तो सारा पैसा तो गवर्नमेंट खाते में चला, ये चाहे तो बड़े बड़े महाविद्यालय विश्वविद्यालय अकेले चला सकते हैं। चारों शंकराचार्य चलाए चाहे तो 4 विश्वविद्यालय चला सकते हैं, लेकिन ये भावना ही नहीं पैदा होती है। अब जैसे अपने ज्ञानपीठ की नींव डाली गई, जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ 5 कमरे बने थे, हमारे पास 5 लाख का कर्ज था, लेकिन उद्घाटन के होने के अगले दिन हमारे पास 7 विद्यार्थी थे, अशोक जी कुछ 1 महीने के बाद आए, उसके बाद हमने अगले दिन से पढ़ाई शुरू करवा दी थी। तो हमारे जो आचार्य थे अष्टाध्याय महाभाष पढ़े थे, मैंने कहा कि भाई पहले से आप शुरू कराओ, अगले दिन से हमने 1 कमरे में गुजारा किया लेकिन पढ़ाई शुरू करवा दी। लेकिन ये उल्लास जिन मंदिरों में साल का करोड़ों का बजट होता है उनके जो हेड है वो भी नहीं चाहते, वो चाहते नहीं कि ज्ञान फैले, ज्ञान के में अवरोधक बनता। देखिए एक बात है, मेरी बात आप क्षमा कीजिएगा,
स्वामीनारायण मत ये कमर्शियल मत है, इसमें अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है, सबसे पैसा इनके पास है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बताइए जो प्रमुख स्वामी जी हैं, क्या ये स्वीकार करेंगे कि उनके समाज में बड़े बड़े वेद के विद्वान तैयार हो जाए? कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो चढ़ावा चढ़ाई उसी से तो उनका बहुत बड़ा जीवन, राजाओं जैसे शान शौकत है, इतने मंदिर बना लिए, सब कुछ उनका अरबों का बजट जाता होगा मैं समझता हूँ, तो वो कभी भी शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे, ये कड़वी सच्चाई है, ये हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए जिसकी जो मान्यताएं हैं, मैं नहीं कहता किसी की भावनाएं आहत हो, क्योंकि हमारी संस्कृत का उद्घोष है आत्मना प्रतिकूलानि परिणामानि समाचरेत, हम जो स्वाहा कहते हैं हर आहुति में, स्वाहा का अर्थ होता है कि पूर्ण आत्मत्याग, हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उसके साथ चाहते हैं, ये स्वाहा का अर्थ होता है। और हम किसी को कहें कि तुम्हारा मत झूठा है, तुम ये हो, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये हमें अंतरात्मा से सोचना पड़ेगा कि आज जो ये विकृति, जो धर्म ज्ञान के प्रचार में जो बाधा पड़ रही है, कहीं ना कहीं एक हमारा ही समाज का एक वर्ग दोषी है जो ज्ञान को फैलने नहीं दे रहा। नहीं तो मैं कहता हूँ देश में लाखों करोड़ों मंदिर हैं, सभी मंदिर अपने यहाँ पुस्तकालय की स्थापना कर लें तो समाज का बहुत उत्थान हो जाए। आप देखिए हर मुसलमान के यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगी, 15 साल का बच्चा भी कुरान कंठस्थ कर लेता है, हम तो गीता के 5 श्लोक भी किसी को याद नहीं करा पा रहे, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है ना। हम दूसरों को दोष दे कि मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने ये किया, हमारी कमी है, हम कमजोर क्यों बनते हैं? सृष्टि का सिद्धांत है बड़ी मछली छोटी मछली को निकलेगी, हम कमजोर पड़ेंगे, दूसरे देश से आक्रांत आएंगे, हमारे ऊपर शासन करेंगे, हमारी संस्कृति को नष्ट करेंगे, हम आंसू बहाते रहे कि उसने हमको मारा, उसने लूटा, तो हमारी पुकार कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हमें सबल स्वयं बनना होगा, हमें अपने ज्ञान धारा को बढ़ाना होगा, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते। जो 1 लाख करोड़ रुपया आपने बताया जो जाता है, वास्तव में जाता है, और इसका सारा सरकार अपने अंदर ले लेती है, इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई जी। कुछ राज्य सरकारों ने इस पर एक्शन भी लिया, उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम मुक्त कर दिए हैं राज्य के नियंत्रण से, कुछ और भी मंदिर हरियाणा में मुक्त हुए हैं जी। इसमें प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में आप पाएंगे कि सारे के सारे मंदिर मुक्त हो जाएंगे, सकारात्मक परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें हम भी लगे हुए हैं, पीछे साथ में लगे हुए हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, देखिए ये कानून लाने वाले नेहरू जी हैं, लेकिन इस कानून के लाने से पहले तो भी मंदिर स्वतंत्र थे, लेकिन देश 1000 सालों से गुलाम बना हुआ था, कोई समाज में जागरूकता नहीं है। इसके लिए एक तरीका है कि जो राशि धनराशि इकट्ठी होती है, भारत सरकार एक वनवासी कल्याण विभाग बनाते हैं और सारा पैसा वनवासी मत, मैं आदिवासी शब्द प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि ये तो थोपा गया शब्द है, हमारे देश में कोई आदिवासी नहीं है, क्योंकि आदिवासी कहकर ही तो विभाजन की रेखा खींची जा रही है कि जो बाहर से आए हैं आर्य हैं, यहाँ के रहने वाले दलित हैं, आदिवासी हैं, और जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आर्य हैं इनको देश से बाहर निकालो, आजकल एक नारा ही चल रहा है। मैंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखवाया था ज्ञानपीठ की तरफ से कि भारत सरकार को चाहिए कि जो मंदिरों का चढ़ावा चढ़ता है उसको एक वनवासी कल्याण विभाग बना दे और जितना उसमें पैसा आता है सब शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया जाए, तो कोई भी दलित कोई भी व्यक्ति मुस्लिम या क्रिश्चियन क्यों बनेगा? जब उसको अभाव होता है कहीं ना कहीं लालच में आता है तब तो धर्म परिवर्तन करता है। तो जो हिंदू समाज का पैसा मंदिरों में चढ़ावे में जाता है वो पैसा केवल हिंदू समाज में रखने का अधिकार है, क्योंकि वो व्यापार के उद्देश्य से कमर्शियल नहीं है, कि भारत सरकार को उसको लेने का अधिकार ही नहीं है नैतिक रूप से। लेकिन हमारा सारा देश सोया, इतने मंडलेश्वर हैं, इतने शंकराचार्य, कोई बोलता है? 75 साल हो गया कोई नहीं बोलता। महाराज जी ने एक शब्द अभी यूज किया, नैतिक। नैतिक जब तक हम लोगों में नैतिकता नहीं आएगी, नैतिक साहस नहीं होगा हमारे अंदर, चाहे चढ़ावा सरकार ले जाए और चाहे ट्रस्टी ले जाए। पहले सरकार के पास नहीं था, पहले ट्रस्टियों के पास ही तो था जो मंदिरों को चला रहे थे, तो तब भी भारत गुलाम हुआ। महाराज जी ने बात कह दी, वो सुई की तरह नोक की तरह हमारे हृदय में घुसी, और उसने यही कहा हो कि भाई जब नैतिक बल ही नहीं है हमारे पास, नैतिक साहस नहीं है हमारे पास, नैतिकता ही नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है हमारे पास, वो चारों तरफ रोशनी उसे दीप से दीप जलाते चले,
एक से एक दीप जलाएंगे तो रोशनी बढ़ेगी जी। अगला जो प्रश्न है वो युवा पीढ़ियों से संबंधित है और हमारे बीच में पूनम माता जी हैं। आज मेरी दोपहर में बात हो रही थी तो आपने बताया कि स्कूल में कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच में काउंसलिंग वगैरह भी करती हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये प्रश्न सबसे पहले मैं आपके पास आऊँ ये प्रश्न लेकर के। युवा पीढ़ी जो कि आध्यात्मिकता से विमुख होकर भौतिकता तथा नास्तिकता की ओर बढ़ रही है, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? अशोक भाई बहुत सुंदर प्रश्न है और ये आज का विषय है, वर्तमान का विषय है। हम पूर्व में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा इसी में उलझे रहते हैं, लेकिन हमें वर्तमान पीढ़ी को संवारना है। हम देखते हैं हमारे बच्चे हैं, आज हर के हाथ में मोबाइल है, वो तथ्य जानना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं, ऐसी बात क्या नहीं पढ़ते हैं। हमारे संपर्क में बहुत से बच्चे हैं और हम उन्हें कुछ बताएं तो वो तुरंत देखते देखते दीदी ऐसा तो नहीं है, दीदी ये तो नहीं है, भगवान ने तो ये कहा है, गीता में तो ये है, भागवत में ये तो क्रॉस हो रहा है दीदी, तो कौन सी बात सत्य है। तो हमें सत्य को वहाँ तक पहुँचाना होगा, झूठी बातें वो बर्दाश्त नहीं करेंगे बच्चे। आजकल वैज्ञानिक बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो मानते हैं कि सत्य है, वास्तव में धर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या हो उसको हमें बताने, वो भ्रम में नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं दीदी अभी तो आप कह रही हो सात सोमवार का व्रत रखो तो ये मिल जाएगा, वो व्रत रखो तो वो मिल जाएगा, हनुमान जी हैं ये हैं, तो वो भ्रमित हैं। उन्हें एक उद्देश्य चाहिए। वो कहते हैं अभी तो हम अपने करियर को लेके परेशान हैं, चाचा जी कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, कोई कह रहा है इंजीनियर बन जाओ, और आप हमें धर्म में भी अगर इसी तरह से डालोगे तो हम तो कन्फ्यूज हैं, हमें सही मार्गदर्शन चाहिए। तो बच्चे सीखने को तैयार हैं, हवन करते हैं हमारे साथ बैठ के, वेदों को मानते हैं, हवन कहते हैं सत्य है, हवन पर्यावरण सुरक्षित होगा हमारे दीदी, हम आएंगे हर रविवार को हमारे यहाँ हवन होता है। छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के आ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें पता नहीं है पर्यावरण क्या है, लेकिन वो भी आते हैं और 18 साल का लड़का भी आ रहा है और 55 साल के अंकल भी आ रहे हैं और 80 साल के अंकल भी आ रहे हैं। मिलजुल के हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में यज्ञ से उन्हें पता है धुआं फैलेगा, आरोग्य होगा, हमारा वातावरण शुद्ध होगा, तो ये हमें पता चलना चाहिए। अब बच्चे उत्सुक हैं, इस समय धर्म की बाढ़ आई हुई है, लेकिन उनको दिशा देने वाला कोई नहीं है, वो युवा भटक रहे हैं, धर्म के नाम पे उनको उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें वास्तविक धर्म को बताने के लिए हमें सबको आगे आना पड़ेगा, परंपरागत तरीके से आप उन्हें नहीं मना सकते, तथ्यों को देना पड़ेगा, आर्ग्यू करते हैं उनका निवारण करना पड़ेगा, और निश्चित ही हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। आजकल आप बच्चे हैं मुझे देख के बड़ी खुशी होती है, और आश्रम वास्तव में होने चाहिए, गुरुकुल में ही पढ़ाई होनी चाहिए। बड़े बड़े मंचों पे लोग कह देते हैं कि हमारे युवा हैं भटक रहे हैं, तो आप उन्हें पढ़ा क्यों नहीं रहे? इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, सुबह वो प्रेयर करते हैं, शाम को आप कहें यज्ञ करो, 24 घंटे हैं, वो क्या क्या करेंगे? क्रिकेट भी खेलो, खिलाड़ी भी बनो, योग भी करो, साधनाएं भी करो, एक बच्चा क्या क्या कर लेगा? आप उस पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, तो वो भटक रहे हैं, तो वो नकारा हो जा रहा है, फिर वो ड्रग्स के तरफ जा रहे हैं, वो नशे में जा रहे हैं, कन्फ्यूजन में सिर्फ। तो हमें बहुत एहतियात से इस समय क्या कहना चाहिए, संक्रमण की स्थिति है, हमारी युवा पीढ़ी को बहुत एहतियात से हमें अगले 10-20 सालों तक लेके जाने, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। आगे स्वामी जी बताएंगे वो जो भी है सबको। जी इसी प्रश्न जी बताएं। हाँ, दीदी की बात के साथ आगे बढ़ाऊंगा मैं कि वास्तव में युवा पीढ़ी को आज एक सही दिशा की जरूरत है, और दीदी ने भी कहा था पर्यावरण, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हमारे आसपास का वातावरण, परि प्लस आवरण पर्यावरण। तो युवा शक्ति को भी आज जो संस्कारों की जरूरत है, जो सही संस्कार मिले उनको, वो संस्कारों को मजबूत करने के लिए हमें बेहतर ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान उनको या उनकी शुरुआत परिवार से है। कोई भी युवा पीढ़ी है तो किसी भी ज्ञान की शुरुआत परिवार से स्टार्ट होता है उसका, तो क्यों ना हम सब शुरुआत परिवार से ही करें। तो परिवार में जब संस्कार डेवलप हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे युवा जो है उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य तक वो ज्ञान भी वृद्धि करता है। तो मेरा तो मानना है कि पहले शुरुआत परिवार से, प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के आकलन से चालू करें, और फिर परिवार को वो अपने ज्ञानार्जन से लाभान्वित करावें, और फिर वो एक दिशा में युवा वर्ग को आगे लेके चलावें, तो इससे देश निरंतर उन्नति की
पूरा संभावना रहेगी। कुछ सकारात्मक तथ्य ये भी हैं आपके सामने बहन जी कि वर्तमान में कई ऐसी सोसाइटियां हैं जिनके युवा बिल्कुल हमारी सच सनातन संस्कृति को प्रसारित करे हैं। कुछ नाम भी हम ले सकते हैं, जैसे हमारा इस्कॉन है, आज बहुत सारे उसमें यूथ हैं विदेशों तक में। उसके बाद हम गायत्री परिवार देखें, उसके बाद हम कृपालु महाराज जी का देखें, उसके बाद हम और भी बहुत सारे देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा हमारे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम उन सबको सामूहिक कर सकें तो यह हमारी पहल हो सकती है कि किसी सूरत से फिर वही है ज्ञान हम फिर वेदों की तरफ लेके चले। ठीक है, फिर वही, ऐसा नहीं, हमारे बहुत सारे युवा और करोड़ों में संख्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप कुछ भी चाहे कह लें, मात्र गीता के आधार पर जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भूचाल ला दिया। कई बार अदालत में बैंड तक लग गया। हम वेदों को इतनी तेजी से नहीं प्रचारित कर पाए, लेकिन उस एक बंदे ने, वो आपके सामने है सब। तो मेरा कहने का मतलब एक ये है कि अगर हम उन्हीं बातों को अपने पास आकर्षित करके, उन्होंने क्या करा, कॉलेज कॉलेज प्रीचिंग करी, छोटी छोटी पतली पतली उन्होंने किताबें दी, एक एक मिनट के उन्होंने, 30-30 सेकंड के उन्होंने अपनी बातें कही उसमें। अब एक बार बताइए, इस्कॉन का जो एक मेंबर है वो 4 प्रिंसिपल को फॉलो करता है, नशा नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा, जुआ लाठी सट्टा नहीं खेलेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, एकादशी का व्रत रखेगा, गीता पढ़ेगा, 16 माला जप करेगा। तो इसमें तो बच्चे का कहीं रास है ही नहीं करेक्टर का। हाँ, वेद नहीं पढ़े, हम ये कह सकते हैं, तो ज्ञान में यहाँ थोड़ा सा पीछे रह गया, हम उसमें वेद और जोड़ दें उनके साथ, सोने में सुहागा। बहुत बढ़िया। वेदों के विषय में तो ये बताया कि वेद कही है, अभी बड़ी उत्तम बात कही है कि जो दिशा भ्रमित भ्रमित है हमारे युवा, कि वास्तव में युवा भ्रमित है। ठीक है, इस्कॉन में नहीं है, इस्कॉन में हमें वहां नहीं, वहां पे कुछ होता है, विकास विकास सब जगह, लेकिन यहाँ पर जो है ना, आम देखा जाए, आम जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, आम जनता के बीच में देखा जाए तो युवा वास्तव में दिग्भ्रमित है, उसको दिशा की जरूरत है, और दिशा देने वाले कौन है, हम ही लोग हैं, और हम ही लोगों को उन्हें दिशा अच्छे से प्रयास और हम दिशा। मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें जी, कि आज से 50 साल पहले कि जब हम बातें पढ़ते हैं सुनते हैं, या मैं जब छोटा था उस समय की जब बात करें, तो जितनी परेशानियों से उस समय के लोगों को टेंशन होता था, आजकल के लोगों को उतनी परेशानी से डिप्रेशन होता है। तो बच्चे अवसाद ग्रस्त हैं और नशे की तरफ जा रहे हैं, तो प्रश्न उनके लिए था जो अध्यात्म से विमुख है, उनका समाधान किस तरह से किया जाए। इनमें कुछ कुछ बिंदुएं आई है कि ये किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस विषय में कुछ और बात की जा सकती है। भारत सरकार को हमें पत्र, सभी को मिलजुल के लिए मिलके इकट्ठा पत्र भी लिखना चाहिए कि 2 अक्टूबर को आप कहते हो कि आज शराब बंद रहेगी, ठीक है ना। उन्होंने एक विभाग बनाया हुआ, शराब बंदी का विभाग, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आती है पूरे पूरे पेज की, महात्मा गांधी का फोटो लगा के। और दूसरी तरफ शराब को बढ़ावा देने के लिए एक मद्य निषेध विभाग है और एक मद्यपान कराने वाला विभाग है, आबकारी विभाग है। एक तरफ एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है, एक तरफ ब्रेक पे रखा हुआ है, तो गाड़ी कैसे घिसेंगे। इसमें एक मैं अनुभव शेयर करूँ मेरा, मैं करीब 15 साल पहले की बात बताता हूँ। एक मंदिर है जहाँ निवास है ना, उसके आसपास एक मंदिर है, बड़ा सा है, तो वहाँ एक संस्कारशाला के नाम से मैंने 1.5 घंटे का प्रयास किया। 1 घंटा तो बच्चों से बात करता था, आधा घंटा उनको खेल कूद से करा था। तो हर संडे क्लास चलती थी, समय मुझे देना ही होता था, कोई कार्यक्रम भी मुझे छोड़ना पड़ता था। तो जब बच्चों को धीरे धीरे 4-5 मंत्र कंठस्थ कराए, फिर अगले, फिर उनको मंत्रों का अर्थ समझाया, फिर जैसे कोई जन्मदिन आया बच्चे का, तो कहा बोलो आप कल मेरा जन्मदिन है गुरु जी, तो बोले बेटा आपको कोई गिफ्ट लेना नहीं है माता जी से, पिताजी से, तो पिताजी आपके कैसे हैं उनके बारे में जानकारी, बोले उससे सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, तो बोले बेटा आपको गिफ्ट में सिगरेट का जो पैकेट है ना वही मांग लीजिएगा, और अब आज के बाद पिताजी सिगरेट नहीं पिएंगे, यही मेरा गिफ्ट है। तो ऐसी बात है, जब 6-7 महीने 8 महीने में चली तो सारे बच्चे, बहुत बदलाव आया मैंने देखा उसमें। 20-20 साल के कब हम भी बच्चे ही हैं, 35 साल के लोग भी आके बैठने लगे, हम भी बच्चे ही हैं, तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में फिर क्या क्या किया कि जैसे वो टाइमिंग होता था शाम को 5 बजे का, तो फिर 4:30 बजे मंदिर का ताला लगा के पुजारी चला गया, फिर बच्चे आ रहे हैं तो उन पर पत्थर फेंक दिए गए,
यानी बच्चों को भी और मेरे को भी वहां से हटा दिया गया। तो माता पिता भी नहीं समझना चाहते, कहने का अर्थ यह है कि माता पिता भी नहीं समझना चाहते जो जैसे मांस का प्रयोग करते हैं या जो धूम्रपान वगैरह करते हैं, नशा करते हैं, गुटखा तो आप जानते ही हर घर में, तो ये माता पिता भी खुद बदलाव नहीं चाहते। इसलिए हमें लगातार जो भी जहां रहते हैं विद्वान, लगातार हमें साप्ताहिक सत्संगों के माध्यम से कुछ जैसे कुछ ऋचाओं को लेकर के या कुछ उपनिषद लेकर के या कुछ चौपाइयों को लेकर के हम हर मंदिर में जाने का प्रयास करें, ट्रस्टियों को बात करके, तो हम बड़ों को भी समझाएं साथ में बच्चों को भी समझाएं, तो एक ये भी अपने स्तर पे प्रयास करें। तो सब एक मेरा विचार किस कार्यक्रम में कई कर्मकांड कराने वाले विद्वान आए हुए हैं। देखिए भागवत में एक आख्यायिका है कि कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं दिति और अदिति। दिति से दानव पैदा होते हैं, अदिति से देवता पैदा होते हैं। क्यों? गर्भाधान संस्कार का समय उल्टा था और मानसिकता दूषित थी, तो दिति से दानव पैदा हो गए। वही अदिति ने वैदिक परंपरा के अनुसार परमात्मा का ध्यान किया तो उसे देवता पैदा हो गए। तो जो हमारे कर्मकांड कराने वाले विशेषज्ञ हैं वो आपस में एक संग ये करके जो उनके यजमान हैं उनको शिक्षा दें कि भाई जैसे हमारी वैदिक परंपरा में आता है कि आपको एक वेद का विद्वान चाहिए, दो वेद का विद्वान चाहिए, कितनी प्रतिभा चाहिए, वो माता पिता के आहार विहार पर उस राति पर निर्भर करता है। जिस राति में गर्भाधान संस्कार होता है उस राति की दिनचर्या जैसी माता पिता की होती है वैसे ही जीव गर्भ में प्रवेश करेगा। तो एक तो हमारा ये नहीं रहा जिससे कि विकृत मानसिकता वाली संतान पैदा हो रही है, वातावरण से और प्रभावित हो रही है। जैसे हनुमान जी को भी के लिए भी जब उनके गुरु अगस्त जी थे उन्होंने पवन और रंजना का विवाह कराया और दोनों को 12 वर्ष के लिए अलग कर दिया कि तुम अभी दोनों 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, तप करो, तब जो तुम्हारी संतान होगी वो रावण के विनाश में सहायक होगी। तो यदि ये तो जननी जन ये नारी निर्मात्री भी होती है, माता पिता के ऊपर है। यदि इस देश में 10-60 आदर्श माताएं हो जाएं तो पूरा भारत वैदिक युग लौट आएगा, हमारी इतने महापुरुष पैदा हो जाएंगे। शंकराचार्य के माता पिता ने कितना तप किया था। तो कोई भी विभूति घर में तभी आएगी, इसमें माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये हमारे कर्मकांड कराने वाले जितने विद्वत बंधु हैं इस कार्य को चाहे क्या संकल्प कराएं कि भाई हमारी संतान ऐसी महान हो, विदुषी हो, इसी संकल्प के साथ पवित्र भावना से संस्कार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप सभी को ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि स्वामी जी के मार्गदर्शन में हमारी ज्ञानपीठ की ही टीम ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, उसका नाम अभी रखा है हमने कैरेक्टर कल्टीवेटर, जिसमें हमने एज ग्रुप अलग अलग बनाए हैं, जिस 5 से 9 और उसके बाद 10 से 13, 14 से 17 और 18 से 21, ऐसे 4-4 वर्ष का एज ग्रुप बनाया है। और हमने अलग अलग चरित्र रखे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक चरित्र है दान या एक है अहिंसा। दान के गुण को विकसित करने के लिए 5 से 9 वर्ष के बालक को हम क्या क्या करा सकते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाई है। एक ही उदाहरण से मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, उसके घर में बच्चे होंगे तो वो पहले अपने बच्चे का नाम उम्र डालेगा, उसके बाद में फिल्टर करना होता है। फिल्टर मतलब आप अपने बच्चे में कौन कौन से गुण अधिक विकसित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल वो वेट लॉस करने वाले होते हैं ना, उसमें हाइट वगैरह वेट या फिर आपका जो टारगेट है वो सब सेट होता है। इसी तरह से फिल्टराइजेशन का सिस्टम है। और आपने सब डाल दिया, उसके बाद अब अगले दिन से प्रतिदिन एक निश्चित समय पर एक टास्क आएगा, काम आएगा कि आज के दिन आपको अपने बच्चे से इतना कराना है। जैसे मान लीजिए कि दान का गुण है विकसित करने के लिए, तो आपके पास आपके बच्चे के पास जो खिलौना है जो अभी वो प्रयोग नहीं करता है उसको किसी पड़ोसी के बच्चे को दीजिए, उसके हाथ से दिलाइए। एक टास्क हो गया, उसको एक दिन कंप्लीट करना है। तो उसके अवचेतन मन में धीरे धीरे करके ये बात घर कर जाएगी। तो एक दिन उस कैरेक्टर पर काम हुआ, अगले दिन फिर दूसरे चरित्र के लिए दूसरा कार्य दिया जाएगा। तो पूरे 365 दिन के लिए अभी हमने बनाया है और इसकी प्रक्रिया चालू है। जैसे ही ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी या फिर ऐप स्टोर पर, एप्पल के ऐप स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी, आप में से कईयों के फ़ोन नंबर अब मेरे पास आ चुके हैं या बाकी मैं सबसे ले लूँगा, तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि ये ऐप आप जहाँ कहीं भी जाते हैं एक हमारी संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है।
हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से भी मान्यता इसको मिल जाए या सरकार की तरफ से भी इसका एंडोर्समेंट हो, ताकि सब लोगों तक ये एक मोबाइल ऐप पहुँचे। क्योंकि प्रचारक हर जगह पर नहीं पहुंच सकता है, लेकिन मोबाइल की पहुंच और इंटरनेट की पहुंच आजकल सभी के हर जगह पर है, तो ये बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। और मैं ये कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। हर एक एज ग्रुप में मैं वृद्धों तक में ये कर रही हूँ कि आप अपनी बहू को कुछ गिफ्ट दीजिए, या बहू से कहती हूँ कि भाई आप अपनी सास को कुछ गिफ्ट दीजिए, सरप्राइज गिफ्ट। तो ये मैं ऐप के माध्यम से वही काम बड़े स्केल बच्चों में संस्कार डाले जाए। हम लोग कहते हैं कि लोग रिश्वत लेते हैं, भारतवर्ष रिश्वतखोरी में आ गया है, तो बच्चों में संस्कार कैसे हम डालते हैं कि तू मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। माँ ने तो वहीं से रिश्वत सिखा दी। पिताजी कहते हैं कि बुलेट मोटरसाइकिल या दूसरा मोटरसाइकिल तुम्हें स्प्लेंडर हीरो तब लेके दूंगा, या स्कूटर तब लेके दूंगा, टू व्हीलर तब मिलेगा तुम्हें, तू मुझे अच्छे नंबर ला के दिखा कॉलेज में। रिश्वत तो वहां से शुरू हो गई, तो घर से ही तो रिश्वत शुरू हुई। दूसरा, समाचार पत्रों को और मीडिया को हमें भूलना नहीं है। जैसे आपने कहा, मीडिया शब्द कैसे प्रयोग करता है, भारत ने पाकिस्तान को 25 रनों से रौंदा, ठीक है। जब चुनाव हो रहे होते हैं तो दो आदमियों के बीच में से एक को चुनना होता है, ठीक है, और वहां क्या लिखा जाता है, महासंग्राम। ये भाषा शैली जो है इसको भी बदलने की आवश्यकता है। और हमें बिल्कुल ये सही बात है कि युवा दिग्भ्रमित इन्हीं शब्दों से होता है, और हमें घर से ही शुरुआत करनी होगी। आपका ऐप बड़ा अच्छा है, साधुवाद है आपके लिए, आप इसको चलाइए, हम आपके साथ हैं। ये पूरी की पूरी टीम जो बैठी है ये आपके साथ है, हम इसको चलाएं, आगे बढ़ाएं और अपने घर से शुरुआत करके और इसका प्रकाश चारों तरफ फैलाएं। अगले प्रश्न में बढ़े। अगला प्रश्न है, स्वामी जी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने कल के अपने प्रवचन में अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में कुछ कहा था, उसका भाव क्या है? कि गीता के 13वें या 14वें अध्याय में ये शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ, एक एक बार। अब व्यभिचारिणी जिसे कहते हैं कि पतिव्रता साधन, पुरुषा से परापार्थ भक्ता लभे तो अनन्या, अनन्य पराप्रेम लक्षण, जैसे पतिव्रता क्या करती है, देवर से भी संबंध अच्छे रहेंगे, जेठ से भी संबंध रहेंगे, ससुर का भी सम्मान करेगी, पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध रखेगी, लेकिन अपने हृदय का वास्तविक प्रेम केवल पति के लिए रखती है। उसी तरह से हम अपना वास्तविक प्रेम जो गीता ने उत्तम पुरुष जिसको कहा है कि उत्तम पुरुष ही एकमात्र परमात्मा है, जो छर अक्षर से परे उत्तम पुरुष है, जिसको कहते हैं कि अस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् पिचे उत्तमे वेदे च लोके इसमें प्रार्थित पुरुषोत्तम। तो जो पुरुषोत्तम है, छर अक्षर से परे उत्तम पुरुष, और जिसके लिए कहते हैं कि पुरुष से परे पार्थ भक्ता लभ्य तो अनन्या, अनन्य परा प्रेम, जी उसके बराबर प्रेम और किसी के प्रति न हो। तो जब ये अनन्य प्रेम होता है जिसे पतिव्रता करती है और उस नियम का उल्लंघन कोई ना करे, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि सत भक्ति हो गया ना अव्यभिचारिणी, अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ होता है जिसमें पतिव्रता साधन हो, एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति ना की जाए। जो भी हमारे आदर्श पुरुष हैं, जैसे मान लिया जाए कि जब ये सृष्टि नहीं थी, ये पृथ्वी भी नहीं थी, अयोध्या भी नहीं थी, कैलाश भी नहीं था, मानसरोवर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो जो लीला वाले तन हमारे यहाँ प्रकट नहीं हुए थे, उसके पहले तो परमात्मा था। हम इनके गुणों का सम्मान करें, भगवान राम के बराबर इस सृष्टि में कोई आदर्श धर्म का पालन करने वाला नहीं हुआ, योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा जैसा लीला पुरुषोत्तम नहीं हुआ, योगिराज शिव के बराबर कोई योगी नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि हम इनको हम भगवान मानते। भगवान का अर्थ क्या होता है, जिसमें छह ऐश्वर्य हों, षट ऐश्वर्य, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, ऐश्वर्यशील, ये जो विभिन्न दिव्य गुण है उनको हम भगवान कहते हैं। देव किसको कहते हैं, जिसमें दिव्यता हो, तो देवता अलग है, भगवान अलग है, लेकिन उत्तम पुरुष परमात्मा अलग है, परमात्मा स्वरूप पर है। जैसे हम बुद्ध के आगे भगवान लगा सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगे भगवान लगाएं, व्यास जी के आगे भगवान लगाएं, क्योंकि इनमें दिव्य गुण, छह ऐश्वर्य गुण है। लेकिन जो परमात्मा है सबका आराध्य है, अनंत सृष्टियों का, हमारी गैलेक्सी में 13 लाख पृथ्वियां तो हमारी इस छोटी सी गैलेक्सी में, एक
गैलेक्सी में, और जाने कितनी गैलेक्सियां हैं, करोड़ों गैलेक्सियां हैं, मनुष्य की बुद्धि आज तक पार नहीं पाई। तो एक पृथ्वी पर हमारे भारतवर्ष में इतने अवतार हुए हैं, तो जो अनंत ब्रह्मांडों का जो स्वामी परमात्मा है, समस्या है कि हम सर्वशक्तिमान अनंत सत्ता वाले उस परमात्मा को एक छोटे से रूप में देख लेते हैं, तो यही हमसे भूल हो जाती है। हम महापुरुषों का सम्मान करें, उनके गुणों की पूजा करें, चरित्र की पूजा करें, सबका सम्मान करें, लेकिन जहाँ भक्ति की बात होती है, क्योंकि भगवान राम भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, भगवान शिव भी ध्यान अवस्थित है, योगेश्वर श्री कृष्ण भी ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हैं, जो भी हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे शिष्ट के प्रारंभिक पुरुष हैं, इनके हम गुणों की पूजा करें और जिस पद जिस मार्ग पर चले हम भी उन्हीं मार्ग पर चले। तो इस योगेश्वर श्री कृष्ण का यही कथन है, इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन, जो ये कहते हैं कि सर्वान् धर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं प्रपद्य, उसका आशय यह है कि अर्जुन मैंने तुम्हें ज्ञान योग दिया, भक्ति योग दिया, सांख्य योग दिया, कर्म योग दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हारा यदि चित्त विचलित हो रहा है तो तुम समर्पण की भाषा सीखो, क्योंकि समाधि सिद्धि ईश्वर परिधान है। यदि श्री कृष्ण के वचनों पर श्रद्धा हो जाए, अर्जुन को वो कह रहे हैं कि तुम मेरे वचनों पर श्रद्धा करो तो तुम्हें उस परम सत्य की प्राप्ति होगी, लेकिन अंत में उनका ये कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन भाव, तू उस परमात्मा की शरण जाओ। वो परमात्मा कौन है? जो आदित्य वर्ण तम सब प्रस्ताव है, जो अक्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षर अतीत है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि अनन्यश्चन्तो माम ये जना पर उपास्थित साम्योक्षम नित्यम भाव। कृष्ण के अंदर वो अलौकिक परब्रह्म की शक्ति बैठ कर बोल रही थी, क्योंकि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो जाता है, अर्जुन कहते हैं कि प्रभु दोनों सेनाओं के मध्य में मैं आपने वो ज्ञान दिया था, जब शंख बज चुके थे आपने 18 अध्याय गीता सुना दी, उसको दोबारा कहिए। तो कहते हैं नच सक्यम पुनः भक्तम अशिष्यण धनंजय, हे अर्जुन मैं उस ज्ञान को दोबारा नहीं सुना सकता, क्योंकि युग युक्त तन्मय ब्राह्मी अवस्था में मैंने उसको ज्ञान को कहा था। तो जिस तरह से ब्रह्मविदो ब्रह्मयो भवति है, उसी तरह से ब्राह्मी अवस्था में योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, इसलिए जिस ब्रह्म की शक्ति ने वेदों का अवतरण किया, उसी शक्ति ने योगेश्वर श्री कृष्ण के हृदय में बैठकर उस ज्ञान को कहा था। इसलिए मेरे कहने का मतलब, हम एक सच्चिदानंद परमात्मा की उपासना करें तो संप्रदायवाद नहीं फैलेगा, एक हिंदू हिंदू का गला काटने के लिए तैयार होता है। अब देखिए जाति व्यवस्था की विकृति क्या है, एक वो मर रहा है तो हमें क्या लेने देना, वो हो रहा है, हिंदू समाज जातिवाद में और संप्रदाय में टुकड़े टुकड़े हो रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। तो अब ये विचारी भक्ति जिस दिन सभी मानेंगे कि हम परमात्मा सारे अनंत ब्रह्मांडों का केवल एक है, समस्त सृष्टि का परमात्मा एक है, उस दिन हिंदू समाज में संप्रदाय के नाम पर झगड़े नहीं होंगे। कोई देवी को मानने वाला ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव छोटे हैं, या उनको मानने वाला ये नहीं कहेगा कि वो छोटे हैं, आपस में जो मन मुटाव है, जैसे लिंग पुराण को देखिए वो क्या कहेंगे, विष्णु के लिए कितने कटु शब्द हैं, ये पद्म पुराण और विष्णु पुराण में शिव के लिए कटु शब्द हैं, देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु शिव के लिए कटु शब्द हैं। ये जो विकृतियां हैं जिसमें सभी हिंदू आपस में लड़ता है कि हमारा इष्ट बड़ा तुम्हारा इष्ट छोटा, हमारा पंथ बड़ा तुम्हारा पंथ छोटा, हमारी जाति बड़ी, ये देश के लिए बहुत घातक है। और व्यभिचारिणी भक्ति का तात्पर्य जिससे पतिव्रता का प्रेम केवल एक के लिए होता है, उसी तरह से हमारी आत्मा का प्रेम केवल सच्चिदानंद परमात्मा के लिए। नवा प्रश्न ये कि जन्मना जाति व्यवस्था का धर्म परिवर्तन में कितना बड़ा दुष्प्रभाव है, तो जी आप ही बोलिए। भेंट में प्रस्तुत किया गया है और मैं चाहता हूँ कि यह ग्रंथ यदि 5,000 प्रतियां भी पूरे देश में बंटवानी पड़ेगी तो जानपीठ इसके लिए तैयार है। उसमें सारे आर्ष ग्रंथों के प्रमाणों से दिया गया है कि हमारी वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, जन्म के आधार पर नहीं। ऐतरेय ब्राह्मण का जो निर्माता था शुद्ध था, जबाल ऋषि गढ़ेरिया थे, मातंग ऋषि चंडाल थे, ज्ञानसूर शुद्ध थे, रावण भी देखिए ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर विश्वा मुनि का पुत्र है, पुलस्त का पोता है, फिर भी उसको राक्षस कहा जाता है क्योंकि उसका आचरण ब्राह्मण तो नहीं था, जन्म से ब्राह्मण था, कर्म से ब्राह्मण न होने पर किसी भी श्लोक में वाल्मीकि जी ने उसको ब्राह्मण राज नहीं कहा, ऋषि राज नहीं कहा, राक्षस राज ही कहा। तो अब हर मनुष्य का अपना स्वाभिमान होता है, कोई महलों में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, उसका भी एक स्वाभिमान होता है। हम किसी को दुत्कारते हैं कि तू इस जन्म में चलिए,
हम यहाँ जितने बैठे हैं उच्च वर्ग में बैठे हुए हैं, हम उस एक दलित की पीड़ा को नहीं समझ सकते जब भरी सभा में उसको छोटा कहकर तिरस्कृत किया जाता है। इस पीड़ा को कर्ण ने समझा था सूत्र पुत्र होने कारण, जबकि अब देखिए सुमंत सूत हैं, उनका सम्मान होता था और राम तक उनके चरण छूते थे, विदुर महाराज और विदुर के चरण भी युधिष्ठिर छूते थे, लेकिन वो क्षत्रियत्व था कर्ण के अंदर, उसको सूत पुत्र कहना उसके लिए मृत्यु से भी भयंकर था। हम किसी, जब हमारी संस्कृति ये कहती है, अब यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है कि तत्र कामो आकाशो कयो एकत्वम अनुपस्यत, इतना ऊंचा तो उपदेश हमारा वेद देते हैं, जब सब में हमें एक चेतना को देखने के लिए उपदेश वेद करते हैं और हम जन्मना जाति के नाम पर एक प्रतिभा को जब तिरस्कृत करते हैं तो उसकी भावनाएं आहत होती है। और यही कारण है, अब देखिए कि अपमान के कारण कितने लोगों ने धर्मांतरण किया, कि हम अब जैसे हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, एक दलित को अपने पास नहीं बैठाएगा, लेकिन जब वो मुस्लिम हो जाता है तो पास बैठा लेगा, क्रिश्चियन को बैठा लेगा, दलित को नहीं बैठाएगा। ये पौराणिक समाज की बहुत बड़ी विकृति है और इसके कारण आहत होकर लाखों लोग दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। आज जो ये स्टालिन का जो परिवार है, ये क्यों उग्र क्यों है, क्योंकि वहां इनको सताया गया है। मराठों ने यदि दलितों के साथ घृणा का व्यवहार नहीं किया होता तो वो कभी अंग्रेजों से नहीं आ रहे होते। तो पूरे देश के हम इतिहास को देखें तो शूद्र के तिरस्कार ने, नारी के तिरस्कार ने बहुत दुखद भावनाएं याद की है। मैं क्षमा चाहता हूँ एक बात कहते हुए, वर्णाश्रम में मैंने उदाहरण दिया है, वेदांत का एक सूत्र है श्रवण अध्ययन प्रतिषेधात स्मृति, इस सूत्र की व्याख्या में पहले अध्याय का तीसरा 1338 सूत्र है ये। अब देखिए इस सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य जी ने व्याख्या की, उसमें मुझे नहीं लगता है, मुझे विश्वास है कि आदि शंकराचार्य जी ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन आज उनकी व्याख्याओं में लिखा गया है। निम्बार्क, माध्वाचार्य, बल्भाचार्य सबने उन्हीं उसी को दोहराया है। और अच्छा है कि ये जो जितने दलित आंदोलन कर रहे हैं उनको, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है, यदि वो पढ़ लें तो केस कर सकते हैं और वेदांत दर्शन की टीका जब्त की जा सकती है। उसमें सीधे लिखा है कि शूद्र चलता फिरता श्मशान है, यदि शूद्र वेद का एक अक्षर पढ़ता है तो उसकी जीवा काट लो, यदि वेद का उच्चारण करता है तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दो। तो मुझे नहीं लगता कि भारत का संविधान इसकी स्वीकृति देगा। आप जन्मना जाति के नाम पर शूद्र को पढ़ने से भी वंचित करेंगे, वेद का एक अक्षर कहता है तो जीवा काटने की बात करेंगे, और सभी आचार्यों ने समर्थन किया। मूल में ये है और चारों शंकराचार्य मंडलेश्वर यही टीका पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी घृणा पैदा होती है, इसलिए बड़ों को सुधरना पड़ेगा। जब तक चारों शंकराचार्य दलितों को गले नहीं लगाएंगे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम केवट को गले लगा सकते हैं, तो शंकराचार्य आज क्यों घृणा करते हैं। अच्छा, दलित शब्द तो हिरण्यकश्यप के लिए आया शास्त्र में पहले। बात वो नहीं है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक ये तो बहुत पुरानी प्रार्थना है, तब कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यप तनु भृंगम केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश। ये दलित शब्द पहली बार हिरण्यकश्यप के लिए आया। जैसे मान ली कि हिरण्यकश्यप की वंशावली भी देखें, ये भागवत के अनुसार शिष्ट रचना भी देखें, तो उत्पन्न तो ब्रह्मा से ही हुए। फिर हम उनको दुत्कारते क्यों? यदि पद्भ्याम शूद्रो अजायत के अनुसार यदि ये शूद्र न हो तो मैं तो वहां नहीं जा सकता, मैं ही तो बैठा रहूंगा। तो शूद्र समाज का आधार है, उसको हम तिरस्कृत करेंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कोई अस्तित्व नहीं, न ब्राह्मण देवता कुछ कर पाएंगे न ही क्षत्रिय रहेंगे। तभी तो शेष चरणों में दुखाया जाता है। तो मैं ये कहूंगा वर्णाश्रम ग्रंथ में इन सारी बातों को प्रकाशित किया गया है, आप लोग उसको, मेरा अनुमान है कि आपको अच्छी लगेगी। और यदि हिंदू समाज जन्मना जाति व्यवस्था के आधार पर घृणा का वातावरण करेगा, जब हम पराधीन थे, मुगल सल्तनत का शासन था, उस समय मीराबाई ने रविदास जी को गुरु बनाया, उस समय इतनी विकृति नहीं थी। ये नेता लोग घृणा पैदा कर रहे हैं, इनको वोट चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, स्वामी समर्पणानंद थे जन्म से ब्राह्मण, लेकिन अपनी सारी लड़कियों की शादी दूसरी जाति दूसरे में की कि मैं जन्मना वर्ण व्यवस्था को तोड़ता हूँ। तो ये जो शादी विवाह का प्रचलन है, क्योंकि वर्ण के वर्णाश्रम होने पर कर्म अनुसार वर्णाश्रम यदि होगा तो क्या होगा,
वर्ण की मर्यादा बनी रहेगी। ब्राह्मण वही होगा जो मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, बुरे कर्म नहीं करेगा, जो स्वाध्याय करेगा। आज मैं एक बार बस में बैठा था पन्ना जी में, तो बस की खिड़की से देखा एक लड़का ठेकेदार कौन तिवारी शराब का ठेकेदार, इसी पकड़ कर बैठ गया कि इस युग में शराब का ठेकेदार ब्राह्मणों को लेना है, तो आज शराब का ठेका कौन ले रहा है जो ब्राह्मण, तो ये तो ब्राह्मण कलाने का अधिकार नहीं है ना, वो जन्मना ब्राह्मण, वो ब्राह्मण वर्ण के नाम को कलंकित कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण वर्ण नहीं करना चाहिए। यदि रावण ब्राह्मण नहीं कला सका, ब्राह्मण राज नहीं कला सकता, तो कलयुग में तो किसी को कलाने का अधिकार नहीं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, तो जन्मना जाति व्यवस्था को समाप्त करना होगा, कर्मानुसार होना चाहिए ताकि चारों वर्ण पवित्र रहे। एक पिता है, उसके चार बेटे हैं, एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक प्रोफेसर बनता है, और एक अनपढ़ रह गया, तो कह देते भाई तुम घर का काम देखो, लेकिन है तो एक पिता के एक ही पुत्र है, सबको एक साथ बैठने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे जो भेदभाव हो गया, छूत छात हो गया, ये हिंदू समाज के लिए पतन का कारण होगा। और जो आहत होगा वो तो सोचेगा कि बड़े हम अपमान क्यों झेले, हम तो दूसरे धर्म में चले जाते हैं, क्या अंतर पड़ता है। गुरुदेव, मेरा एक निवेदन था कि जो व्यवस्था ही, जिसे चारों व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबसे पहले अगर इसका आत्म मंथन करें तो ये चारों व्यवस्थाएं व्यक्ति के ऊपर भी लागू होती है, जाति वगैरह ये सब बाद में, पहले ये चारों चीज़ें अपने अंदर आकलन करें कि अगर हम रात्रि को विश्राम करते हैं, विश्राम करने के बाद में जिस स्थिति में अपन उठते हैं ऑफिस, तो उस वक्त प्रत्येक व्यक्ति शूद्र की अवस्था में ही होता है, क्योंकि वो अशुद्ध स्थिति होती है। अब जब वो अपने आप को पवित्र करेगा, चाहे स्नान ध्यान जो भी है, तो उसी आधार पे जब वो शुद्ध हो जाएगा, और उसके बाद में जिसे वो साधना करेगा, उच्च कर्म करेगा, ज्ञान देगा या अर्जन करेगा, तो वो कर्म के आधार पर ही होना व्यवस्था मानी चाहिए। और जो अगर क्षत्रिय भाव में जो कर्म करेगा, जो रक्षा किसी की रक्षा करेगा, तो वो क्षत्रिय होगा। और कोई व्यापारिक व्यवस्था में अगर अपने आप को अग्रसर करता है या पूरा मैनेजमेंट करता है, तो वो एक व्यापारी वर्ग में हुआ, और जो सेवा भाव से कर्म करता है वो उसी प्रकार से उस श्रेणी में आएगा। तो सेवा भाव भी अपना है, अपनी मत तो सबका है, चारों व्यवस्थाएँ बहुत उपयोगी है, और किसी का भी महत्व कहीं किसी प्रकार से कम आका नहीं जा सकता, सबकी व्यवस्था है, लेकिन इसको सकारात्मक सोच के साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, व्यवहार में लाना पड़ेगा, और व्यवहारिक रूप से केवल कथनी और करने में यही अंतर आ जाता है, और उसको समझना जरूरी है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखिए इस समय देश में 1200 से अधिक जाति हैं, और नेता लोग इसको और बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सबका गोत्र एक ही, गोत्र जो है सब ऋषियों के गोत्र है, तो ऋषि तो सबके पूज्य है। इसलिए यदि ये जो जन्मना उपाधि जो है, कौन सिंह शर्मा वर्मा, ये सब हटाकर सब गोत्र लिखने की परंपरा शुरू की जाए, जैसे प्राचीन काल में होता है, जैसे पाणिनी है, पाणिनी के साथ दाक्षी पुत्र पाणिनी लिखा जाता है, पाणिनी तिवारी, पाणिनी चतुर्वेदी कोई नहीं लिखता, और राम सिंह, भरत सिंह, अर्जुन सिंह, भीम सिंह कहीं नहीं आता। तो ये जो उपाधियां हैं, ये सारी समस्या की जड़ है, इसको हटाकर गोत्र का नाम प्रचलित करेंगे तो हिंदू समाज में कहीं भी रहेगा ये छुआछूत। महामंडलेश्वर जी इस संत सम्मेलन के कुछ 5-7 वो सिद्धांत आगे निकाल लीजिए कि सम्मेलन में ये पास हुआ, एक तो हम जाति व्यवस्था नहीं मानेंगे, वेदों को अपने ज्ञान का केंद्र मानेंगे, इस तरीके 5-6 ताकि वो समाज में आगे को, फिर इस सम्मेलन का नेक्स्ट हमको क्या। ठीक है, एक चीज मैं और कहूँगा, क्योंकि आप में से कई के राजनीतिक जो बड़ी हस्तियां हैं उनके साथ अच्छे संबंध है, तो एक मैं कहता हूँ कि जैसे जो मैंने अभी विचार रखा कि मंदिरों के चढ़ावे का गवर्नमेंट सरकार जो है वनवासी कल्याण विभाग बना दे, और उसका जितना पैसा आता है शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर दे, तो इसका एक लाभ होगा कि जितने दलित वोट हैं सबको उस सरकार को भी मिल जाएंगे, और इसका जो विरोध करेगा वो दलित विरोधी माना जाएगा, तो कोई विरोध भी नहीं करेगा। मुरादाबाद के एक मुरादाबाद के बहुत ही ऊंचे लॉयर हैं सुधीर गुप्ता एडवोकेट, बेसिकली आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, वो इस समय हिंदू धर्म के लिए सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं, तो एक हमारे अनुच्छेद संविधान अनुच्छेद की 129, 131, 132 कुछ धाराएं हैं, जिसमें ये तो है कि अन्य धर्मों का पैसा तो वो अपना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्मों में कुछ बैंड हैं,
तो PIL उन्होंने डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ज्यादा काम करे तो कभी हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे, अरुण उपाध्याय जी को बुलाएंगे, ठीक है वही ठीक है। अंतिम प्रश्न ये है कि आप देश के सभी सन्यासियों से धर्म रक्षा के लिए क्या आग्रह करना चाहते हैं? गलत सारी ना, मतलब बातें सब वही हैं, ठीक है। अब सिख धर्म बनाना क्यों पड़ गया, जो आपने मतलब कुरीतियां बोली या मतलब जो मतलब अनडिसिप्लिन बोला हिंदू धर्म में, उनको मॉडिफाई करने के लिए, मतलब उनको ठीक करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए ही सिख धर्म की स्थापना करनी पड़ी। अब सिख धर्म में भी देखो, गुरबानी में भी लिखा है अवल अल्लाह नूर उपाया, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को बंदे। इस सभी धर्मों को ले लिया ना साथ में, सभी धर्मों को ले लिया। अभी दरबार साहब हरिमंदर साहिब जी के मतलब चार दरवाजे हैं, चारों धर्मों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आए माथा टेके, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, किसी जात बिरादरी को मना नहीं है, सबको नीचे बिठा के एक समान लंगर खिलाएंगे। तो गुरुओं ने वो चीज को मतलब ले लिया, मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना, बात वही है, लेकिन वो गुरुओं ने उसको सिस्टम को क्या, जैसे आप अभी कोशिश करने वाले हो, उन्होंने कोशिश कर डाली, एक नई मतलब तरीका अपना दिया उन्होंने, एक नया धर्म चला दिया। उस धर्म में उन्होंने क्या बोला कि कोई भी आओ मैं आपको नया शेप नया रूप दे दूंगा। तब जाके उन्होंने बाद में दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने महाराज जी ने बाद में उनको एक नया मतलब चिंग बना दिया कि उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी, एक नया रूप नया शेप दे दिया उनको। चीज वही है, लेकिन वो गुरुओं ने मतलब वो करके दिखा दिया, जो भी बात सोच रहे हो ना आप, उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि हिंदू धर्म की कुरीतियां दूर करनी है, सभी अपो अपने धर्म में पक्के रहो, लेकिन एक धर्म ऐसा चला दिया जिसमें वो उन्होंने सबको ऐड कर लिया कि सबको समान बना दी। अब दूसरी बात ये आ गई कि जात का गर्व न करिए कोई, ब्राह्मण देशो ब्राह्मण हो, यही बात खत्म कर दी ना बात उन्होंने गुरुओं ने, फिर कि जात का गर्व न करिए कोई, ब्राह्मण देशो ब्राह्मण हो, अगर ब्राह्मण का बेटा शाम को ठेके पे बैठ के दारू पीता है ना तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तभी वो कहलाएगा ना जब वेद कुरान अपने मतलब ग्रंथ पढ़ेगा, जब ग्रंथ ही नहीं पढ़ेगा वो बंदा शाम को ठेके पे चल के दारू पिएगा, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। जात का गर्व ना करिए कोई, ऊंची जात वाला बोले ना मैं अपनी जात का मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण तभी है अगर वो पाठ पूजा करेगा मंदिर जाएगा गलत रास्ते पे जाएगा वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्म बिंदे सो ब्राह्मण हो, जो परमात्मा को याद करेगा ना, जो परमात्मा को याद करेगा चाहे वो शूद्र भी कर ले, आपने शूद्र की बात की है, शूद्र वो है जो परमात्मा को याद नहीं करता, जो परमात्मा को याद नहीं करेगा ना वो शूद्र है, उसकी नीच जात है जो परमात्मा को याद ही नहीं करता और गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट है उसकी, गलत कामों में लिप्त है मतलब। तो गुरबानी में चीजें आ चुकी हैं ये सारी, बस उसको क्या है कि थोड़ा अपने दिमाग को खोल के हमें सभी धर्मों का सार लेना पड़ेगा, तब हम इकट्ठा हो जाएंगे सारे। इस संबंध में देखिए सभी सिख गुरुओं ने, अब देखो एक चीज और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, गुरुओं ने हिंदुओं की बात छोड़ो आप, उन्होंने क्या किया मुसलमानों की भी बात ले लेते हैं अभी, हालांकि मैं सिख हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं सभी धर्मों को जोड़ने की बात करूंगा। कैसे कि श्री गुरु नानक देव जी का, श्री गुरु नानक देव जी के साथ उनके पक्के साथी थे भाई मर्दाना, 54 साल वो बंदा उनके साथ रहा, उनका पक्का साथी, ठीक है। जो भी गुरुओं ने मतलब अपने मुख से गुरबानी का उच्चारण किया वो सबसे पहले किसने सुना, भाई मर्दाना। वो भाई मर्दाना कौन था, एक मुसलमान था, मतलब एक मुसलमान को उन्होंने अपना पक्का हाड़ी बना लिया, दोस्त बना लिया, मतलब अपना पक्का साथी समझ रहे ना। तो उन्होंने धर्म मतलब जातपात ही खत्म कर दिया, जातपात छोड़ो उन्होंने धर्म ही खत्म कर दिए। उन्होंने अमृतसर में जो गुरुद्वारा गोल्डन टेंपल आपने सुना है, सचखंड श्री हरिमंदर साहब दरबार साहब, उसकी नींव साईं मियां मीर से रखवा दी, वो भी मुसलमान थे, सूफी फकीर थे वो, उन्होंने जातपात खत्म कर दी। एक मुसलमान को उन्होंने पूरा मतलब इज्जत मान देते हुए उससे नींव रखवाई है गुरुद्वारा साहिब की, ये चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी पहले से। ये है कि चलो
जो हमारे बच्चे भटके हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनको मार्गदर्शन देना पड़ेगा और उनको धर्म के रास्ते पे लेके आना पड़ेगा। उनमें भी एक चीज और है, जननी जने तो भक्त जन, नहीं जननी जने तो भक्त जन, जा दाता सा जा दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे को अवे नूर। माँ का दर्जा सबसे बड़ा है, माँ ने ही बच्चे को रास्ते पे लाना है, धर्म के रास्ते पे चलाना। ये देखिए संन्यास चारों गणों से ऊपर है, क्योंकि संन्यास का अर्थ ही होता है कम एनम कर्मणाम संन्यास कभी भी तो कम कर्मों का प्रत्यागी संन्यास है। यदि संन्यासी राज से भटकता है तो विद्वान का ब्राह्मण का भी भटकना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सबका पथ प्रदर्शक है। इसलिए और संन्यासी भी कहीं आकाश से नहीं आता, ये गृहस्थ से ही संन्यास निकलता है। जब संन्यास विकृत हो गया तो विद्वानों को ब्राह्मणों को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं रहा, जब ये भटक गए तो सारा समाज भी भटक गया। इसलिए संन्यासी का पहला कर्तव्य यह होता है कि लोकेशा संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा को छोड़े, ये सबसे बड़ी माया, सूक्ष्म माया। घर द्वार छोड़ना सरल है, लेकिन इस माया को कि लोगों में मेरी प्रतिष्ठा हो, ये सबसे बड़ी बाधा है। और अब जैसे मान लें कि टीवी पर कितने प्रवक्ता आते हैं, उनके लाखों अनुयायी हैं, जय जयकार होती है, लेकिन कोई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार इसलिए नहीं होता, वो सोचते हैं कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तो सभी संन्यास का जो आश्रय लिए हुए हैं, उनका कर्तव्य है कि सत्य और निष्पक्ष बात कहें। यदि उन पर कोई प्रहार भी करता है तो उसका बुरा मन वाणी कर्म से न सोचें न करें, लेकिन सबके कल्याण के लिए कहें, लेकिन सत्य कहें। हमेशा इस कथन को याद रखें, भर्तृहरि ने कहा कि अद्य एव मरणमस्तु युगान्तरया, मृत्यु आज ही हो लेकिन युगों के बाद चाहे कभी हो। लक्ष्मी समाविशत गच्छति वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए या चली जाए लेकिन केवल सत्य बात कहें, चाहे सारा संसार भी विरोधी हो जाए तो अन्याय अधर्म का पक्ष न ले। यदि सभी सन्यासी सत्य बात कहने लगे निष्पक्ष हृदय से तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो सन्यासी कहेगा सबको मानना पड़ेगा। यदि आज सारे चारों शंकराचार्य सत्य बात कहें अपनी अंतरात्मा की साक्षी से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विकृति रहेगी, लेकिन मुझे नहीं विश्वास है कि सभी संप्रदायों के प्रमुख सत्य बात कहना चाहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बधे हैं। अब जैसे अभी वर्ण की बात चल रही थी, मनुस्मृत में एक श्लोक आता है, शूद्रो ब्राह्मणतामित ब्राह्मणित शुद्धताम क्षत्रियात जातम एवं विद्यात वैसे तथा विचार। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर यदि उसका आचरण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के समान है तो उस वर्ण में किया जाए। शूद्र कुल में उत्पन्न होकर यदि उसका आचरण क्षत्रिय वैश्य या ब्राह्मण के समान है तो उसको ब्राह्मणत्व तो पाने का अधिकार है। जैसे मातंग ऋषि तप करके ब्राह्मण हो गए, विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, ऐत्रेय ने ऋग्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ऋषि ने लिखा, वो जो ब्राह्मण की संतान ये शूद्र की संतान थे। यदि शूद्र वैदिक काल में ब्राह्मण हो सकता है तो आज हम समान नहीं बैठाना चाहते, ये बहुत बड़ी भूल है, ये वेद शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन है। और मैं ये कहूँगा कि सिख पंथ बनाया ही गया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि हिंदू सीधा साधा होता था, गुरु गोविंद सिंह ने तलवार पकड़ाई क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता था, और दसों गुरु तो हमारे हिंदू ही रहे। और सिख शिष्य का अपभ्रंश है, शिष्य शब्द का अपभ्रंश शब्द सिख होता है, सिख समाज यानी हिंदू समाज की सेना। हर हिंदू अपने घर से एक बच्चे को सिख बनाता था ताकि वो तलवार पकड़े और धर्म की रक्षा करे। तो मैं ये समझता हूँ जब सबके अंदर से सत्य होगा कि हम सत्य बात को ग्रहण करें और तो कोई समस्या नहीं रहेगी कि सामाजिक वृत्ति शिक्षा जरूरी है। कहने का अर्थ ये है जी कि कथनी करनी जिन्ह जहाँ है धर्म नहीं पाखंड हुआ है, तो हमें सत्य को व्यवहार में लाते हुए हमें परस्पर एक साथ आगे बढ़ना होगा, नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जो हुआ उसको छोड़ो, अब हमें चलना पड़ेगा, मिल करके चलना पड़ेगा और हम सत्य के साथ चलें, फिर हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज की इस ज्ञान चर्चा में बैठ करके हमें आगामी योजनाओं पे रूपरेखा बनानी चाहिए थी, जिस चीज को आप चाहते उसको हम कैसे करेंगे, मुझे नहीं लग रहा उस पर कोई योजना बन रही है। जैसे संत जी की पीड़ा हैगी, इन्होंने शंकराचार्य के बयान पे भी पीड़ा व्यक्त की, लेकिन अभी इन्होंने यह भी कहा है कि जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं है, जन्म से कोई भी शूद्र नहीं है, लेकिन आज की व्यवस्था में वास्तविकता क्या है उसे स्वीकारें। आज की स्थिति में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, शूद्र का बेटा शूद्र है, इन व्यवस्थाओं को हम कैसे बदले, ये हम और आपकी जिम्मेदारी है। उस पर हम कैसे काम करें, इस पर हम अगर मंथन करें और उस पर निष्कर्ष निकाल कर योजना बना करके काम करें तो मैं समझता हूँ समाज में कोई अच्छा संदेश जाएगा। स्वामी जी के आदेश से हमने
मैंने और आचार्य सूर्य प्रताप जी जिनको आपने आज सुबह सुना था, हमने एक पुस्तक लिखी है जातिवाद कारण और निवारण। इसमें वेद उपनिषद और विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर जनमना जाति व्यवस्था के कारण क्या क्या हैं और उनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हमने आध्यात्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, व्यक्तिगत पक्ष, सामाजिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष, इन पांचों पक्षों को रखा है प्रमाण के साथ में, तथ्यों के साथ में। क्योंकि अभी समय का तो थोड़ा सा अभाव है, गई है। हाँ जी, प्रकाशित हो गई है। अभी जो सितंबर में वार्षिक उत्सव था उसी समय पूज्य स्वामी जी के द्वारा लिखित वर्ण व्यवस्था वर्णाश्रम। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरे द्वारा हो सकता है कि प्रश्न पूछने के तरीके में कोई चूक हो गई हो, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ और इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। और मेरे सभी दर्शक वृंद जो इस चैनल को देख रहे हैं, आप सबसे यही आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी कमेंट करके ये बताइए कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और साथ साथ ही यह भी बताइए कि जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के विषय में भी आपके क्या विचार हैं। जो प्रश्न हैं वे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन प्रश्नों को देखिए और उन प्रश्नों के आधार पर आपको क्या लगता है कि सनातन किसे कहते हैं, इसकी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, मंदिरों को ज्ञान मंदिर बनाने के लिए क्या योगदान दिया जाना चाहिए, देश के सन्यासी इसमें क्या कर सकते हैं, जातिगत व्यवस्था को अथवा जन्मना जातिगत व्यवस्था को किस तरह से हटाया जा सकता है, इन सभी विषयों पर आप भी अपना विचार रखें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचा करके वास्तविक धर्म की पहचान कराने में, सनातन की पहचान कराने में और राष्ट्र के या विश्व के सभी लोगों को जागरूक करने में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद, प्रणाम।